मेरी एंटर क्राफ्ट का अगला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2। और आज के लेक्चर में हम आपका थियरी पोर्शन तो कंप्लीट है, थियरी तो और कुछ एक्स्ट्रा है नहीं खास, बट जो नेक्स्ट पोर्शन है वो कंटिन्यू करने वाले। दैट इज वो क्वेश्चन ही होगा, कुछ और डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर के ऊपर जो आपके एक्सरसाइज 1 में है। ठीक है, तो वही बस करना है। और नया कुछ टॉपिक या फिर खास थियरी तो है नहीं, आज का ही लेक्चर आखिरी लेक्चर होगा इस चैप्टर के लिए, मोर देन सफिशियंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 तक शायद लास्ट लेक्चर में अपन 22 तक शायद कवर किए थे, तो आगे चलते देखिए। ये देखिए, एक क्लोज्ड बाउंडेड रीजन का एक स्पेशल काइंड ऑफ क्वेश्चन है जो जेईई पे भी आता रहता है, बोर्ड्स में खास करके अभी तक तो पूछा नहीं है, बट अगर चाहते हैं वो लोग तो कभी भी पूछ सकते हैं। सही है क्या, क्लियर? तो देखिए 24, फाइंड द एरिया ऑफ दैट रीजन। अभी ये रीजन को समझना आपके लिए सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम हो जाता है कि इस रीजन को समझे कैसे, है ना। एरिया बाउंडेड बाय दिस रीजन बोला है, एक्स कॉमा वाई एक ऑर्डर पेयर है सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वाई एंड वाई इज योर लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स। सही बात है क्या, क्लियर? तो इस रीजन को हमें सबसे पहले जज करना है, एंड देन अपन देखो यहां पे अगर आप ये रीजन जज करना सीख गए ना तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा उस चैप्टर में, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो जेई पे तो नहीं है, प्योर बोर्ड वाला क्वेश्चन है और 1-6 मार्क का क्वेश्चन हर साल आता है इससे। ठीक है, तो इस जगह पे आपको बहुत फायदा हो जाएगा, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे रीजन निकालना सीख जाएंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर में एलपीपी में अपन रीजन ही निकालते हैं। सही बात है क्या, क्लियर है? तो इस रीजन को अपन कैसे निकालेंगे उस चीज को मैं समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझो, एक क्वेश्चन समझ गए बाकी पूरा पूरा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आप क्या करो ना, आप इनइक्वालिटी को नजरअंदाज करो, इनइक्वालिटी को ध्यान ही मत दो, आप तो डायरेक्टली इक्वालिटी में फोकस करो। तो इक्वालिटी में अगर फोकस करोगे तो आपके पास कितने कर्व होगा, 2 कर्व होगा। सही बात है क्या, क्लियर? तो आप इन दोनों कर्व को सबसे पहले प्लॉट करो, इन दोनों कर्व को सबसे पहले आप प्लॉट करो। एक हो गया y बराबर x स्क्वायर जो कि एक वर्टिकली अपवर्ड पैराबोला हो जाएगा विद वर्टेक्स ओरिजिन। सही है क्या, क्लियर? और एक हो गया आपका y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x जो आपको कुछ इस टाइप में दिख जाएगा। अभी बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर इसके ऊपर से जाएगा इसके नीचे से जाएगा, आपको पता कैसे चला? मैं बता रहा हूं, ये पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों कर्व को सॉल्व करना पड़ेगा, दैट इज मॉड x इक्वल टू x स्क्वायर आप कर दो। ठीक है, तो यहां से मान लो अगर x ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है ना, तो x स्क्वायर इक्वल टू x हो गया, तो यहां से एक ही सॉल्यूशन मिलेगा x बराबर 1, और अगर x लेस देन 0 हो गया तो यहां से x स्क्वायर इक्वल टू माइनस x आ जाएगा, तो यहां से x का वैल्यू -1 आएगा, और x इक्वल टू 0 पे तो सेटिस्फाई हो ही रहा है, तो खास करके ये तीनों कर्व ये दोनों कर्व 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। एक तो क्लियरली दिख रहा है आपको 0.0 एक पता चल रहा है, एक 1.0 पता चल रहा है, एक -1.0 पता चल रहा है। मेरे को तो पता था कि ये कर्व इसके ऊपर से जाएगा इसीलिए मैंने डायरेक्टली बना दिया, बट आप कैसे चेक करोगे, आपके दिमाग में तो ये भी हो सकता है ना कि सर कर्व तो ऐसे भी जा सकता है मॉड्यूलस वाला, इसके ऊपर से ही जो जाएगा वो आपको कैसे पता चला? आप सिंपल सा एक वैल्यू लोगे इन बिटवीन 0 एंड 1, क्योंकि 1 के बाद से तो ये पैराबोला इसको एक्सीड कर रहा है ना, तो इन बिटवीन 0 एंड 1 एक कोई भी वैल्यू लो, हाफ हाफ पे मॉड्यूलस कितना आंसर दे रहा है, हाफ ही दे रहा है, बट y का वैल्यू ऊपर वाले पैराबोला से कितना मिल रहा है, 1/4, तो 1/4 डेफिनेटली हाफ से छोटा होता है, मतलब क्या कि इन बिटवीन 0 से 1 मॉड x ऊपर आएगा और पैराबोला नीचे आएगा, बिकॉज मॉड x आंसर हाफ दे रहा है जो कि बड़ा होगा और 1/4 छोटा आंसर दे रहा है जो कि नीचे आएगा। सही बात है क्या, तो अपन कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे और कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे खास कुछ है नहीं। सही बात है क्या, क्लियर है? तो इस चीज को समझो एंड देन अकॉर्डिंगली आप आराम से समझ जाओगे। अभी हमारा मुद्दे का काम क्या है कि जनाब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट और सही पॉइंट हमें लगता है वो ये है कि हम तो ये चीज डिटरमाइन कर लिए ना कि कर्व कौन सा है, बट हमें तो सर रीजन निकालना था, हमारे को क्या निकालना था, रीजन। अगर यहाँ पे इनइक्वालिटी के जगह पे इक्वालिटी दिया रहता, इनइक्वालिटी के जगह पे इक्वालिटी दिया रहता तो हम यही दो बनाते, दैट्स इट, वही होता, बट एज यहाँ पे इनइक्वालिटी दिया गया है तो इनइक्वालिटी किसी कर्व को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, इनइक्वालिटी कभी किसी कर्व को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, इनइक्वालिटी उस कर्व से बना हुआ किसी रीजन को रिप्रेजेंट करता। इस चीज को सबसे पहले दिमाग को घुसाओ, समझ में आ रहा है ना, इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट्स अ रीजन ऑफ, ठीक है, बाउंडेड बाय दिस कर्व या फिर रिप्रेजेंट बाय दिस कर्व, समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लो ये पैराबोला है, पूरा पूरा कोऑर्डिनेट प्लेन में ये पैराबोला है,
अभी ये इनइक्वालिटी इस रीजियन को पूरा पूरा रिप्रेजेंट कर सकता है, सही बात है क्या, अनबाउंडेड रीजियन को, या फिर इस रीजियन को पूरा पूरा रिप्रेजेंट कर सकता है, सही बात है क्या, क्लियर है। अगर इक्वल टू y इक्वल टू x स्क्वायर है तब तो ये कर्व ही रिप्रेजेंट होगा, मतलब इस कर्व के ऊपर जो इनफाइनाइट पॉइंट्स है वो पॉइंट्स इसको रिप्रेजेंट करेंगे, सही है क्या। बट अगर मैं यहाँ पे y ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर लिख देता हूं तब तो इन कर्व के ऊपर सारे पॉइंट तो इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा, बट ग्रेटर देन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, ग्रेटर देन को तो दूसरे पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे, और वो पॉइंट अपन कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखो, यही आपको सीखना है। आप इस कर्व का इस रीजियन से या फिर इस रीजियन से किसी भी एक रीजियन से कोई भी एक पॉइंट उठा लो, उठा करके देखो कि इस इनइक्वालिटी को वो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, अगर कर रहा है तो वो पॉइंट जिस रीजियन में है उस रीजियन में रहते हुए सारे के सारे पॉइंट्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर जाएगा और आंसर हो जाएगा वही रीजियन। बट अगर वही पॉइंट आपका ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं आपका आंसर जस्ट ऑपोजिट वाला रीजन हो जाएगा, सही बात है क्या। जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लेता हूं इस रीजन से, इस रीजन में कोई भी पॉइंट आपको क्या दिख रहा होगा, ऑब्वियसली एक पॉइंट आप बोल सकते हो 0.2, क्या 0.2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज 0 > 4 है क्या, इज इट ट्रू, नहीं ये ट्रू नहीं है, मतलब इस रीजियन में जो भी पॉइंट है अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इस रीजियन में कोई भी पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब ऑब्वियसली जो आंसर हो जाएगा इस इनइक्वालिटी का वो कौन सा हो जाएगा, वो ये वाला रीजियन हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अगर यहाँ पे इक्वालिटी है तो मैं इस रीजियन को यहां तक टच करा सकता हूं, बट अगर यहाँ पे इक्वालिटी नहीं रहता है तो मैं यहाँ पे टच भी नहीं करा पाऊंगा, बिकॉज तब कर्व के ऊपर का पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। और अगर मैं वाई लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे देता हूं तब मेरा कौन सा चीज ट्रू हो जाएगा, तब मेरा अबव वाला रीजन ट्रू हो जाएगा, दैट इज अंदर वाला इनसाइड वाला रीजन ट्रू हो जाएगा, सही बात है क्या, क्लियर है। तो इस तरीके से अपन लोग रीजन को डिटरमाइन करते हैं, सही बात है क्या, क्लियर है। तो इसको जबरदस्त तरीके से आप समझो, ये अगर आपको समझ नहीं आता इनिशियल स्टेज में तो आप इस प्लेटफॉर्म में कोई भी क्वेश्चन करने के लायक नहीं रहेंगे, समझ आ रहा है क्या, क्लियर। इस क्वेश्चन में प्लेटफॉर्म जब भी आएगा और कहीं ना कहीं इस फॉर्मेट में अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप तैयार हो जाओ, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में भी आपको दिक्कत आने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल चीज है, और अगर इस चीज को आप समझ नहीं पाते तो कहीं ना कहीं आगे जाकर के आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेंगे, इस चीज को आप समझ के रखिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल चीज है, ये किसी भी बच्चे को समझना चाहिए कि हाउ टू डिटरमाइन रीजन व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल इनइक्वालिटी ऑफ कर्व, ठीक है क्या, समझ में आ रहा है ना। एक कर्व का यह है एक कर्व का इक्वेशन, यह है एक कर्व का इक्वेशन, बट ये कोई कर्व का इक्वेशन नहीं है, ये एक रीजन को रिप्रेजेंट करने वाला जो भी बोलो आप मैथमेटिकल रिलेशन है, समझ में आ रहा है, क्लियर। तो इस चीज को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा दोस्त, अगर इस चीज को अपन समझते नहीं है सही सही तो कहीं ना कहीं हमारे को दिक्कतें काफी ज्यादा आने वाली है, समझ में आ रहा है, क्लियर। तो चलिए आगे बात करते हैं अपन। तो यहाँ पे हमारे को क्या दिया गया है, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इधर से एक पॉइंट ले लेते हैं, चेक करते हैं 0.-2 क्या सेटिस्फाई कर रहा है, -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा। इधर से कोई पॉइंट ले लेते हैं 0.2 क्या सेटिस्फाई कर रहा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जब तो लफड़ा हो गया यहाँ पर, बोले सर क्या लफड़ा हो गया बताइए जरा हमारे को, हम भी सुनना चाहते क्या लफड़ा हो गया, कि वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, दैट इज वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा रीजन है ना, सही बात है क्या, क्लियर है। अच्छा मतलब यहाँ पे हमारे को ये समझ आ रहा है कि सर अगर मैं इधर वाला पॉइंट लेता हूं तो क्या सेटिस्फाई करता है, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लेकर के देखो तो बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा, करेगा क्या सर, सोच के देखो। अच्छा यहाँ पे तो मैंने गलत कर दिया ना, पॉइंट तो मैंने गलत ले लिया, अब पुट गलत कर दिया था, 0.-2 जो है ये सही सही पुट करेंगे तो 0 > 4 आ रहा है, बट ये वाला पॉइंट जो है 0.2 इसको अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे 0 > 0 जीरो, हाँ एक्स जीरो है, एक्स जीरो है, ये आ रहा है -2 > 0, और यहां पे अगर पुट करूंगा मैं तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 > 0, ये तो गलत है बट ये ट्रू है, ये ट्रू है मतलब इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो आंसर है वही ट्रू हो जाएगा, इसके कोरिस्पॉन्डिंग आंसर कौन सा है, अंदर वाला रीजन, मतलब ये कर्व क्या बोल रहा है कि मेरा जो रीजन होगा वो कौन सा होगा, इनसाइड वाला रीजन होगा, मेरा जो रीजन होगा वो कौन सा होगा, इनसाइड वाला रीजन होगा, सही बात है क्या। अभी मैं इस कर्व को पूछूंगा कि तेरा रीजन क्या है भाई बता, ये बोलेगा y less than equal to mod x, अभी इस कर्व का
इधर का रीजन, अंदर का रीजन से यही पॉइंट ले लो और बाहर का रीजन से यही पॉइंट ले लो, चेक कर लो कौन से सेटिस्फाई कर रहा है। 0.2 पुट करोगे तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 0 आएगा, और -2 हो और 0 अगर पुट करोगे तो -2 लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। ट्रू कौन सा, ये ट्रू है ये गलत है, तो ऑब्वियसली इधर वाला ट्रू है। मतलब क्या, मतलब इस चीज के तो अंदर वाला ट्रू हो रहा है, बट इसके कौन सा ट्रू हो रहा है, बाहर वाला रीजन ट्रू हो रहा है। अगर इसके बाहर वाला रीजन ट्रू हो रहा है और इसके अंदर वाला रीजन ट्रू हो रहा है, तो अपने को सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी जब भी दिया जाता है, याद करो ना इस टाइप का इनइक्वालिटी जब भी अपन आपको कराते थे, तब दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करके दोनों का क्या लेते थे, इंटरसेक्शन लेते थे ना ऑब्वियसली। तो एरिया बाउंडेड बाई दिस टू रीजन ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ द टू रीजन, नॉट इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व, इंटरसेक्शन ऑफ द टू रीजन बाउंडेड बाई दिस टू कर्व, तो वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला रीजन हो जाएगा। मतलब आपको एरिया किसका निकालना है, आपको एरिया इसी रीजन का निकालना है, और सिमेट्री से पता चलता है कि ये दोनों फिगर एग्जैक्टली सिमेट्रिकल होगा, तो अगर मैं किसी एक को निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर आराम से आंसर आ जाएगा। और इस रीजन का अगर निकालता हूं तो लिमिट कहां से कहां तक रखूंगा, 0 से 1 एक्स का लिमिट, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, व्हाट विल बी योर अपर कर्व, मॉड एक्स, बट मॉड एक्स मत बोलो, 0 से 1 में मॉड एक्स क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है। तो एक्स माइनस सेकेंड वाला कर्व क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको कैलकुलेट कर लो, आपको ये कंप्लीट रेड वाले पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। सही है क्या, क्लियर है? तो कुछ इसी अंदाज से अपने को प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, इस तरीके का प्रॉब्लम, सही बात है क्या, क्लियर? तो अभी आता है बात की सर बोर्ड्स में तो ये सब आता नहीं है, बट अगर कभी आ गया तो हम कैसे इसको लिखे जरा बता के दीजिए, बता के दे रहे, थोड़ा सा धीरे से रखिए क्योंकि मेरे को भी सोचना पड़ेगा, मेरा भी आदत नहीं है ये सब बोर्ड्स में लिखाते हुए कभी। तो अपन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले अपन बता देते द गिवन रीजन रिप्रेजेंटिंग द एरिया, रिप्रेजेंटिंग द एरिया इज डैश दे करके ये लिखते होंगे, ठीक है ना। नाउ द एरिया बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स इज शोन इन फिगर एंड द रिक्वायर्ड एरिया इज, बस इतना सा लिखने से ही होगा, एंड द रिक्वायर्ड एरिया इज A is equal to 2 into, ये लिखने से पहले लिख दोगे एरिया बाउंडेड बाय द रीजन इन द फर्स्ट क्वार्टर, फिर जाकर के यहाँ पे ये लिखोगे एंड सॉल्व करोगे, और साइड में आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज ये कैलकुलेशन जो है वो भी आपको करके दिखाना पड़ेगा, सही बात है क्या। तो कुछ इसी तरीके से अपन लिखेंगे एंड पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, सही बात है, क्लियर, ठीक है। तो देख लीजिए अगर ठीक ठाक बैठता है तो कर लीजिएगा, सही है, क्लियर। चल आगे बढ़ते जनाब और अगले प्रॉब्लम पे सोचते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, क्वेश्चन नंबर 26। चलिए तो इसको इरेज कर देते हैं प्रॉपरली, आप समझ जाइएगा कि कैसे ये रीजन आया, इसको समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। किसी भी एक साइड का पॉइंट लेकर के चेक कर दीजिएगा, अगर सेटिस्फाई, दोनों साइड में चेक करने का कोई जरूरत नहीं, कर्व का एक कर्व है ना, अगर इक्वालिटी होता तो कर्व के ऊपर के सारे पॉइंट रिप्रेजेंट करता, अगर इन इक्वालिटी है तो कर्व का अंदर वाला रीजन होगा या तो बाहर वाला रीजन आंसर होगा, कर्व के ऊपर वाला हिस्सा तो नहीं हो सकता, तो ऊपर वाला हिस्सा अगर नहीं हो सकता, इसीलिए ये सब क्वेश्चन में कभी भी बाउंडेड बाई लिख के नहीं देता, क्योंकि यहां पे डायरेक्टली पता चलता है इन इक्वालिटी दे दिया तो ये ऑब्वियसली एरिया बाउंडेड ही होगा, सही बात है क्या। तो वो रीजन पता करने के लिए कर्व का इस साइड से या फिर इसके पीछे से, आगे से या फिर पीछे से, किसी भी एक साइड से आप कोई भी एक कोऑर्डिनेट लेकर के चेक कर लो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, अगर कर रहा है तो वही रीजन को शेड कर दो, अगर नहीं कर रहा है तो उसके ऑपोजिट वाले रीजन को शेड कर दो, सही बात है क्या। जैसे कि ये पैराबोला है, इधर मैंने 0.-2 लेके चेक किया, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो मेरे को पता चला कि ये वाला रीजन हो नहीं सकता, ये वाला रीजन मतलब इधर वाला, ये सब रीजन, ये सब हो नहीं सकता है, अगर ये सब नहीं हो सकता है तो ऑब्वियसली कौन सा होगा, अंदर वाला होगा, इसीलिए मैंने इधर एरो लगा दिया, ठीक है। शेड वेड मत करो, फिगर गंदा हो जाता है, एरो देख के ही काम चलाओ, सही बात है, क्लियर। तो अगर ये चीज नहीं सीखते हो, ये चीज अगर आपको समझ नहीं आता है, ठीक है, तो आप ये मत समझो कि ये सब जेई का चीज है इसीलिए आपको बोल रहा हूं, ठीक है ना। मेरा कोई शौक भी नहीं लगा है कि अगर जेई का चीज है और आपको पढ़ने का मन है और आपको बोल बोल के मैं पढ़ाऊं, कोई शौक नहीं, वो समझ चला गया, ठीक है, वो समय अभी बचा नहीं, अभी जिनको करना है अपना आप कर लेगा, अभी और मेरे को पुश करने का जरूरत नहीं है, बस सही समय में सारी चीज कर दूं, सिलेबस
सही वक्त में कंप्लीट कर दो और उसको जितना भूख है उतना खाना उसको दे दो और कुछ चीज का मैंने जरूरत नहीं, ठीक है। अभी और वो वक्त नहीं बचा है कि किसी 12 का बच्चा को घिसे पीटे, अभी तो वो वक्त आ गया ताकि जो पढ़ नहीं रहा है उसको घिस पीट के कभी भी किसी भी कैसे भी तरीके से बोर्ड निपटा उसका, सही बात है क्या, क्लियर है। तो आपको बोला जा रहा है इसीलिए क्योंकि ये एलपीपी वगैरह में आपको काम आएगा, समझ नहीं आएगा अभी तो एलपीपी में दिक्कत आएगा, एलपीपी में वापस समझाऊंगा, एलपीपी में समझ नहीं आया तो 6 मार्क खान से गवाओगे, मेरा कुछ करने का है नहीं। इसीलिए अगर समझ नहीं आता है तो फोन करके पूछ लीजिएगा, अब फोन नहीं करते हो पूछते नहीं हो तो ये हमारा जिम्मेदारी नहीं है आपको बार बार जाकर के बोल के सिखाऊं, ठीक है। जितना किया वो एक्सट्रीम लेवल में किया और कुछ कर नहीं सकते। आगे चलते अगले क्वेश्चन में, 26 चलिए देखिए। यहाँ पे भी एरिया बाउंडेड पूछा है, किसी इनइक्वालिटी सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी दे रखा है यहाँ पे, मल्टीपल इनइक्वालिटीज देखो तो इसको ध्यान से कीजिएगा, लिखना भीखना आप लिख लीजिएगा दोस्त, ठीक है। बता दिया है कैसे लिखना है, 2-3 लाइन लिखना है, अगर इतना सा भी नहीं आता है तो क्या करें भाई, सही है। चलो ये 0 <y> <x+1> और आगे आता है 0 <x+2> सही बात है क्या। तो इस चीज को अपन कैसे करेंगे, सबसे पहली बात इस चीज को समझो, ठीक है, कैसे करना है इस चीज को सबसे पहली बात ध्यान से समझो, ठीक है जनाब। चलिए तो यहां पे मल्टीपल चीजें आ रहे हैं, कर्व कौन कौन सा आ रहा है पहले तो ये ढूंढ करके निकालो, छान छान के निकालो। वाई बराबर 0 आ रहा है, वाई बराबर x2+1 आ रहा है, वाई बराबर 0 आ गया, वाई बराबर x+1 आ रहा है, x=0 and x=2 सही बात है। तो ये तीनों तो स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइन, और ये सिंपल सा एक पैराबोला है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले अपन कर्व को स्केच करते हैं, जैसे ही कर्व स्केच हो जाता है अपन इनइक्वालिटी को चेक करके रीजन निकाल लेंगे और अपना काम जो है वो निपट जाएगा, सही है। ये वाई है आपका, ये एक्स है, तो वाई बराबर x2+1, x=0 पे ये कौन सा पॉइंट ले रहा है, 1 ले रहा है, सही बात है, क्लियर है। और ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका वर्टिकली अपवर्ड पैराबोला, सही बात है। वाई बराबर x2+1, y=x+1 लाइन क्या हो जाएगा, 0 पे 1 ही जाएगा, मतलब इधर कट करेगा और एक्स वाई जब 0 होगा -1, मतलब इस तरीके से हो जाएगा लाइन, सही है ना, इस तरीके से हो जाएगा तेरा स्ट्रेट लाइन। अभी ये कहां पे इंटरसेक्ट करता है उसको निकालने के लिए, एक तो x=0 क्लियरली दिख ही रहा है और दूसरा पॉइंट कहां पे वो इंटरसेक्ट करता है उसके लिए तो अपने को सॉल्व करना पड़ेगा ना। इसको सॉल्व करो, 0 और 1 मिलेगा, 0 तो यहाँ पे मिल गया, मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा x=1, अगर x का वैल्यू अपन 1 डालेंगे तो y हो जाएगा आपका 2, सही है। तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, 2। अभी x=0 आपका एक लाइन है, ये है आपका x=0, x=2, माय गॉड ये तो बहुत आगे चला गया भाई, 2 का तो जगह ही नहीं बचा मेरे पास, तो इसको थोड़ा सा टिल्टेड कर देते, ऐसे कर देते नहीं, ऐसे कर देते, मान लेते ये -1, 0 है और इधर थोड़ा सा स्केलिंग वगैरह में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, अब समझ जाना भाई, इतना मत पकड़ना, इतना पकड़ लोगे तो कैसे चलेगा, ठीक है ना। चलो और ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 0, सही है, क्लियर है। तो 0 से 1 के बीच में ये y=x+1 हो गया, ये हो गया आपका y=x²+1, ठीक है, और x=0 तो यही लाइन हो जाएगा, x=2 आपका ये लाइन हो गया, x=2 आपका ये लाइन हो गया, ठीक है, और y=0 तो ये x एक्सिस हो गया, ठीक है। तो सारी चीज बना दिया, अभी हम इनइक्वालिटीज को मार्क करते चलते हैं एक एक करके। y>0 तो y>0 कौन सा पार्ट है, अबव x एक्सिस, तो इधर, अच्छा जो मैं एरो लगाऊंगा ब्लैक से लगाता हूं तो ज्यादा विजिबल रहेगा, तो y>0, फिर y> दिस तरफ। अभी अगर ये कर्व मैं जानता हूं ये 1 है तो इधर वाला कोई भी पॉइंट ले लेता हूं 0, 2, सेटिस्फाई करता है या नहीं चेक करो, तो जरा 0, 2 सेटिस्फाई करता है या नहीं, 0, 2 डालो, x का वैल्यू 0 डालो, तो 2>1, मतलब अपर वाला रीजन को सेटिस्फाई कर नहीं रहा, तो इस कर्व का कौन सा हिस्सा आएगा, नीचे वाला हिस्सा आएगा, सही इधर वाला हिस्सा आएगा, ठीक है, ऊपर वाला रीजन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इधर अगर बात करें तो y>0 तो बना दिया, और y>x+1 उसके लिए भी सेम पॉइंट लेके चेक कर सकते हैं, x का वैल्यू 0 डालो, तो इसका भी ऊपर वाला रीजन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब नीचे वाला रीजन आएगा, इसका भी कौन सा रीजन आएगा, नीचे वाला रीजन, और x lies between 0 and 2, तो x अगर सबका नीचे वाला रीजन ही आता है और 0 से 2 के बीच में है तो इधर से इधर होगा, ठीक है ना। तो
ये जो सारी चीज का जो इंटरसेक्शन क्लियरली मेरे को विजिबल दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है, मैं ब्लू पेन से मार्क कर रहा हूँ और वो आपको भी दिखना चाहिए। तो अगर आपको नहीं दिखता है तो मेरे से ज्यादा तकलीफ आपको होने वाला है, इस चीज का ख्याल जरूर रखें आप, सही है। तो दिस विल बी द एरिया एनक्लोज्ड बाय ऑल दिस सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, सही बात है क्या, क्लियर है। तो यहां से अगर अपन एरिया निकालना चाहते हैं तो निकालेंगे, बट थोड़ा सा होशियार रहना पड़ेगा क्योंकि कर्व का नेचर जो है वो चेंज हो रहा है। ये देखो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, सही बात है क्या, क्लियर है। ये है आपका सिस्टम जो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, जीरो से वन एक कर्व है और वन से टू दूसरा कर्व है, अपर कर्व चेंज हो रहा है ना, तो हमें इंटीग्रेशन को भी ब्रेक करना पड़ेगा। दैट इज जीरो से वन ये वाला कर्व का एरिया बाउंडेड आ जाएगा, दैट इज वाई कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन डीएक्स हो जाएगा, सही है क्या, एफ एक्स डीएक्स होता है ना, और वन से टू, और जब वाई एक्सिस पे होता है तभी एक्स डिवाइड होता है, एक्स डिवाइड हर जगह पे नहीं, जब वाई एक्सिस पे एरिया बाउंड ले रहे हो तभी एक्स डिवाइड लगाओगे, या फिर मान लो एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई दिया हुआ है और वाई एक्सिस पे पूछा है, अल्टीमेटली वाई एक्सिस का सीन आएगा तो ही एक्स डिवाइड आएगा, नहीं तो वाई डीएक्स ही आएगा। और वन से टू क्या है, वाई का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वन है, एक्स प्लस वन इंटू डीएक्स हो जाएगा। इस एरिया को आप कैलकुलेट करो, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा आपका फाइनल एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व्स और सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी और रीजन जो भी बोलना है बोलो, सही बात है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई, लिख लीजिएगा प्रॉपरली और कैलकुलेट कर लीजिएगा, सब कुछ करा दिया, अभी आपको आंसर निकालना है, फाइनल आंसर वो आप कर दो, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते, नेक्स्ट प्रॉब्लम ध्यान से समझते भाई। चलो, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय एन एलिप्स एंड अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये तो स्टैंडर्ड एलिप्स और स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन दे रखा है, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें तो कोई दिक्कत होने वाली बात है नहीं। तो ये जानते हो आप, ये पॉइंट हो जाएगा ए कॉमा जीरो, ये पॉइंट हो जाएगा माइनस ए कॉमा जीरो, ये पॉइंट हो जाएगा आपका जीरो कॉमा बी, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका जीरो कॉमा, सॉरी ये बी होगा ये माइनस बी होगा, ठीक है। तो हो गया वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया। अभी अपने को क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन, स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय दिस एलिप्स एंड द स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन कैसे लेंगे, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन, तो x इंटरसेप्ट a हो जाएगा और y इंटरसेप्ट b हो जाएगा, ठीक है ना। तो x by a plus y by b equal to 1, तो ऐसे हो जाएगा लाइन, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका कौन सा लाइन, x by a plus y by b equal to 1, ठीक है ना। तो एरिया बाउंडेड बाई दिस टू कर्व, अभी कौन सा एरिया बाउंडेड हुआ, ये भी एक एरिया बाउंडेड हुआ और ये भी एक एरिया बाउंडेड हुआ, बट आपको बोला है एरिया बाउंडेड ऑफ द स्मॉलर रीजन, तो ऑब्वियसली स्मॉलर रीजन यही होगा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, सिंपल सा चीज है, जीरो से ए तक एक्स का लिमिट हो जाएगा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, दैट इज अपर कर्व क्या हो जाएगा, अपर कर्व का वाई निकालो, अपर कर्व का वाई निकालो तो क्या आ जाएगा, बी बाई ए इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मेरे ख्याल से, ठीक है, अगर गलत हो तो सही कर लेना, बी बाई ए इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लोअर कर्व का वाई क्या हो जाएगा, वही बी बाई ए इंटू ए माइनस एक्स, मेरे ख्याल से अगर गलत हो तो सही कर दीजिएगा, ठीक बात है क्या, क्लियर। तो इंटू साथ में क्या आएगा, डीएक्स आएगा, बस इस चीज को कैलकुलेट कर लो, बी बाई ए तो कॉन्स्टेंट है बाहर चला जाएगा और अंदर बस इंटीग्रेशन है, एक के बाद एक इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, आंसर निकालना है, सही बात है क्या। दिस डीएक्स एक हो जाएगा आपका, माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू ए ए डीएक्स हो जाएगा, और प्लस इंटीग्रेशन जीरो से ए एक्स डी एक्स एक और हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टोटल पूरा पूरा एरिया, ठीक है, जो बाउंड होगा इन द स्मॉलर रीजन बाय द स्ट्रेट लाइन एंड द एलिप्स, सही बात है क्या, क्लियर। तो इस चीज को आप कंप्लीट सही कर लीजिएगा, जैसे ये कंप्लीट होता है आंसर निकलता है आपके पास, आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा आपको, सही बात है क्या, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं अपन, उसमें क्या बोल रहा है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल वर्टिसेस विथ वर्टिसेस ए बी एंड सी, सही बात है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड्स में बहुत ही फेमस है और पूछे भी जाते हैं, ये सब ऐसे फालतू टाइप के क्वेश्चन बोर्ड्स में ही आने का लायक है, क्योंकि आप जानते हो कि एक ट्राइंगल का तीन वर्टिसेस दे करके इतना मेहनत करके एरिया निकालना है, तो भाई सिंपल सा फॉर्मूला ही तो है ट्राइंगल का एरिया का, उसी से निकाल देंगे, इंटीग्रेशन यूज करने का इसमें क्या दिक्कत है।
इस टाइप के फालतू सवाल बोर्ड्स में ही आते हैं। सही बात है क्या, क्लियर है? उनको कोई काम नहीं होता है, दिमाग होता नहीं, वही घिसे पीछे चीज पूछते रहते हैं और परेशान करते रहते, कैलकुलेशन कराते रहते। ठीक है क्या? तो चलिए उनका जरूरत ही पूरा कर देते हैं, अपन बता देते हैं आपको कैसे। ये आ चुका है बोर्ड्स में, सारे बोर्ड्स में, सीबीएसई, आईसीएसई, आसाम बोर्ड, तीन बोर्ड में तो मैंने देख चुका हूँ, दो दो बार पूछ चुका है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप समझ के रखो। तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे बहुत कुछ, 6 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा अगर पूछना है तो। A2+2.5 है तो थोड़ा सा अंदाजा लगा करके पॉइंट दे रहा हूं, आप फील कर लीजिएगा। B4.7 है, अरे बाप रे, बी तो और ऊपर है, 4 है। अच्छा 2 अगर ये ले रहा हूं तो बी को यहाँ पे ले लेता हूँ, 4.7 मार्क, सही बात है। और सी कौन सा है, 6.2, तो सी थोड़ा आगे ले लेते और यहाँ पे 2 ले लेते, सही बात है, 6.2। ठीक है, ये है आपका ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, बट इस साल को तो ये नहीं आ सकता ना, बिकॉज एरिया बाउंडेड बाई कर्व्स तो है नहीं, बट फिर भी उनका कोई भरोसा नहीं है, दे सकता है, आप इसको इग्नोर मत करो। वो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला अपन प्रूफ करते हैं ना, वही बेसिक लॉजिक लगाना है। बेसिकली तू क्या करेगा, पहले स्ट्रेट लाइन, तीनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है, तीनों साइड्स का। फिर क्या करेगा, इस रीजन का एरिया निकालेगा, फिर इस रीजन का एरिया निकालेगा, फिर इस ट्रेपेजियम का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देगा। सही बात है ना, एक टॉपर होता है ना बोर्ड्स का, फालतू टॉपर्स जो 100 में 100 लाता है बट आईटी में 0 मिलता है उनको। ठीक है, वैसे बंदी जो है उनको मैं डिसरेस्पेक्ट नहीं करता, बट उनका पढ़ाई का तरीके को मेरे को गुस्सा आता है बहुत। ठीक है, इतना दिमाग है तो किस दिन के लिए अप्लाई करने के लिए रखा है भाई, आईटी निकाल के दिखाना भाई। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि इसको सही से लिखने के लिए वही परपेंडिकुलर वगैरह कंसेप्ट वगैरह अपन लिख सकते हैं कि ए पॉइंट से परपेंडिकुलर, बी पॉइंट से परपेंडिकुलर, सी पॉइंट से परपेंडिकुलर वगैरह ड्रॉ कर रहे हैं। तो जब तक परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं करेंगे तो ये साइड्स पैरेलल नहीं हो पाएगा, साइड्स अगर पैरेलल नहीं हो पाता है तो वो करेंगे अपन, अरे भाई समझ जा, साइड्स अगर पैरेलल नहीं हो पाता है तो क्या होगा, ये ट्रेपेजियम कैसे बनेगा, ट्रेपेजियम का एक साइड्स, एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होता है ना भाई। तो अपन यहां से क्या करेंगे, देखो सबसे पहले लिखना पड़ेगा साइड, साइड का इक्वेशन निकालना पड़ेगा तो काफी मेहनत है। ठीक है, नहीं तो वाई कहां से मिलेगा, फंक्शन तो दिया नहीं ना, तो उधर से आपको निकालना पड़ेगा 2.4 से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना पड़ेगा। सही बात है क्या, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइन भी कर लेते हैं चेक कि 11th में बच्चा सही से पढ़ा है या नहीं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन उसको लिखना आता है या नहीं, इसीलिए शायद देते हैं, अदरवाइज तो इसको देने के पीछे कोई लॉजिक होगा नहीं खास। चलिए शुरू करते नंबर 31। यार मेरा जाने का वक्त भी आ रहा है, मेरा मार्कर पेन भी खत्म हो रहा है यार, कोई दिक्कत नहीं, और मैं मार्कर पेन को लाऊंगा नहीं, इतना सा हो गया, इतना सा मैं आपको दिखाता अगर आप मेरा खराब, इतना सा हो गया, भर गया पूरा, चलो कोई बात नहीं, वो तो भरेगा ही। सबसे पहले क्या लिखना है, क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद द वर्टिसेस। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर अ ट्राइंगल विथ वर्टिसेस, लेट अस कंसीडर अ ट्राइंगल विथ वर्टिसेस A2.5, B4.7 and C6.2। यह है तीनों का वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, वेयर वेयर देखे लिख देते एक लाइन और एक साइड बढ़ा के क्या करें उसको, वेयर एपी इज परपेंडिकुलर टू OX, BQ is perpendicular to OX and CR is perpendicular to OX. सही बात है क्या? Now equation of sides AB, BC and CAR, तीनों का equation निकालो सबसे पहले, तो ऐसे करके निकाल सकते हो आप तीन पार्ट करके आराम से। सही बात है क्या? तो इक्वेशन ऑफ ए बी इधर हो गया, इक्वेशन ऑफ बी सी इधर हो गया,
और अगर आप सीधे वर्टिकली करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन ऑफ सी ए इधर हो गया, ए बी का इक्वेशन क्या हो जाएगा जनाब, वाई माइनस फाइव अपॉन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू सेवन माइनस फाइव अपॉन फोर माइनस टू। तो ये टू अपॉन टू तो वन हो गया, और यहां से कहीं ना कहीं वाई माइनस फाइव इक्वल टू एक्स माइनस टू हो रहा है, तो सारे इक्वेशन आप वाई के फॉर्मेट में लिख के रखो तो ज्यादा फायदा होगा, है ना, क्योंकि आपको वाई डी एक्स लिखना पड़ेगा ना बाद में। इसीलिए इक्वेशन ऑफ बीसी क्या हो जाएगा, वाई माइनस सेवन बाई एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू सेवन माइनस टू इंटू सॉरी डिवाइडेड बाई फोर माइनस सिक्स, सही है। तो ये आ जाएगा कहीं ना कहीं आपका वाई माइनस सेवन, ये हो गया आपका फाइव और ये हो गया आपका माइनस टू, ठीक है, कोई बात नहीं भाई। तो ये फाइव और माइनस टू हो गया ना, तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस टू इंटू वाई माइनस सेवन इक्वल टू फाइव इंटू एक्स माइनस ट्वेंटी, यहां से माइनस टू वाई प्लस फोर्टीन इक्वल टू फाइव एक्स माइनस ट्वेंटी, तो ट्वाइस वाई का वैल्यू हो जाएगा थर्टी फोर माइनस फाइव एक्स, तो वाई का वैल्यू हो जाएगा सेवनटीन माइनस फाइव एक्स बाई टू, ये रोमन टू हो गया, है ना। इक्वेशन ऑफ सी ए हो जाएगा वाई माइनस टू बाई एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस फाइव बाई सिक्स माइनस टू, तो यहां से कहीं ना कहीं माइनस थ्री एक्स प्लस एटीन हो जाएगा, और यहां से फोर वाई माइनस एट हो जाएगा, सही है क्या। तो फोर वाई का वैल्यू हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स माइनस थ्री एक्स एम्प्लाइज वाई इक्वल टू थर्टीन बाई टू माइनस थ्री एक्स अपॉन फोर, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर थ्री, सही है। देयरफोर एरिया बॉन्डेड, बॉन्डेड लिखने का जरूरत नहीं, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेस, हैविंग वर्टिसेस ए बी एंड सी इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रापीजियम, एरिया ऑफ ट्रापीजियम ए पी क्यू बी प्लस एरिया ऑफ ट्रापीजियम बी सी आर क्यू माइनस एरिया ऑफ ट्रापीजियम ए सी आर पी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तेरा सॉरी माय डियर, इन दोनों पॉइंट का तो एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, ये हो जाएगा टू से फोर, टू से फोर, यहां पे सच दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर पी क्यू आर बी पी टू कॉमा जीरो क्यू फोर कॉमा जीरो एंड आर सिक्स कॉमा जीरो लिख सकते हो, सही बात है। तो ये टू से फोर हो जाएगा, टू से फोर ये वाला पूरा एरिया क्या होगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो इक्वेशन ऑफ एबी का वाई माइनस एसी का वाई करना पड़ेगा, तो ये एक्स प्लस थ्री से किसको घटाएंगे, ऑब्वियसली इसका वाई दैट इज थर्टीन बाई टू माइनस थ्री एक्स बाई फोर को सब्ट्रैक्ट करोगे और बाहर डीएक्स लगा दोगे, सही बात है क्या। प्लस अगला इक्वेशन करते, अगला इक्वेशन हो जाएगा बीसी माइनस एसी, और कहां से कहां तक, फोर से सिक्स तक, फोर से सिक्स तक बीसी माइनस एसी, तो बीसी हो जाएगा सेवनटीन माइनस फाइव एक्स बाई टू, और उससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा थर्टीन बाई टू माइनस थ्री एक्स बाई फोर, सही है, इंटू डीएक्स, और इस चीज से माइनस कर देंगे क्या, पूरा पूरा टू से सिक्स तक इंटीग्रेशन, कौन सा एसी के अंडर पे जो कर्व है, सिर्फ एसी दैट इज थर्टीन बाई टू माइनस थ्री एक्स बाई फोर डीएक्स, इस चीज को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ जाएगा, ठीक है। तो दिस माइनस मतलब ये इंटीग्रेशन पूरा तीनों इंटीग्रेशन कैलकुलेट करके आंसर निकाल दो, तो उसी को आप स्क्वायर रूट में दे देना तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, पूरा सिक्स नंबर मिलेगा, ठीक है। और लास्ट में बस अगर कंफ्यूजन रह जाता है या फिर आपका करेक्शन का कोई दिक्कत होता है, ठीक है, अगर आपको चेक करना है तो आप आराम से फॉर्मुले से करके देख लेना, हाफ इंटू एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू और एक्स थ्री वाई थ्री वन वन वन, ये डिटर्मिनेंट चेक करके देख लेना कि आपका आंसर जो है वो इसके साथ मैच हो रहा है या नहीं, अगर मैच हो रहा है तब तो ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और अगर मैच नहीं हो रहा है तब तो दिक्कत हो जाएगा, सही बात है, क्लियर। तो अपन इस तरीके से आराम से चीजों को कर सकते हैं, सही है क्या, क्लियर। तो चलिए आगे बात करते हैं अपन, नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते चलिए, अगला प्रॉब्लम आपको क्या दिख रहा है,
फाइंड एरिया बाउंडेड बाई वाई इक्वल टू साइन एक्स एंड वाई इक्वल टू कॉस एक्स वेरीज फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू एंड एक्स एक्सिस। सही बात है, तो साइन एक्स और कॉस एक्स ये दोनों मिलकर के जो एरिया बाउंड कर रहा है वो आपको निकालना है इन द इंटरवल एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। तो ये तो हो गया एक्स इक्वल टू जीरो और ये हो गया एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। एक्स इक्वल टू पाई बाई टू में साइन एक्स क्या होता है ऐसे हो जाता है वन तक और कॉस एक्स क्या रहता है कॉस एक्स तो ऐसे आता है। सही बात है क्या, और दोनों इंटरसेक्ट कहां पे करता है पाई बाई फोर में। तो लिखना लिखना मैंने आपको बहुत सिखा दिया वो खुद से लिखिएगा। अभी मैं बस एरिया का एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, वो क्या हो जाएगा जीरो से पाई बाई फोर, जीरो से क्या हो जाएगा पाई बाई फोर अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, दैट इज अपर कर्व कौन सा हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, सही बात है। और पाई बाई फोर से पाई बाई टू क्या हो जाएगा, पाई बाई फोर से पाई बाई टू हो जाएगा आपका अपर हो जाएगा साइन एक्स माइनस लोअर हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। इसको कैलकुलेट कर लो पूरा एरिया बाउंड मिल जाएगा, एरिया बाउंडेड बाय दिस टू कर्व पूछा है ना, तो वेरी स्ट्रॉन्ग हमेशा शेड करके फिगर में दिखाओगे एंड एक्स एक्सिस। अच्छा मैंने तो ये वाला निकाल दिया, मैंने तो ये वाला निकाल दिया ना यार, एंड एक्स एक्सिस पूछा है ना, अरे यार मैंने तो ये वाला एरिया निकाल दिया, ये एरिया तो बाउंड हो रहा है एंड एक्स एक्सिस अगर बोल दिया तब तो सवाल यहां पे चेंज कर दिया ना। मैं हमने क्या निकाल दिया, हमने निकाल दिया कि y इक्वल टू साइन एक्स y इक्वल टू कॉस एक्स x इक्वल टू जीरो x इक्वल टू पाई बाई टू के बीच में कितना एरिया बाउंड कर रहा है, ये एरिया एग्जैक्टली ठीक है। बट इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे एंड एक्स एक्सिस आ गया, तो एंड एक्स एक्सिस अगर आ जाता है तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा ना, एक्स इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू पाई बाई टू और एक्स एक्सिस मिलकर तो ये एरिया बाउंड कर रहा है। ठीक है ना, ठीक है, तो ओरिजिनल जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो से पाई बाई फोर जस्ट साइन एक्स आएगा, क्योंकि ये दो पार्ट में डिवाइडेड है ना, एक तो यहां से यहां तक साइन एक्स कर रहा है, यहां से यहां तक कॉस एक्स कर रहा है, पाई बाई फोर से पाई बाई टू तक कौन बाउंड कर रहा है एरिया कॉस एक्स डी एक्स कर रहा है, दैट इज ये वाला पार्ट और इधर ये वाला पार्ट कर रहा है। सही बात है क्या, क्लियर है, तो बस इसको कैलकुलेट कर लो आराम से आंसर आ जाएगा। सही बात है क्या, क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई एक्स बराबर हाफ एक्स बराबर टू वाई बराबर लॉग एक्स एंड वाई बराबर टू रेज टू पावर एक्स। ठीक है, तो चलिए इसको अपन पहले शेप देते एंड देन अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, वाई इक्वल टू लॉग एक्स बेस हमें पता नहीं ऑब्वियसली ई ही होगा मान के चलते, तो उसका जो कर्व हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से होगा, वाई बराबर टू रेज टू पावर एक्स जो है वो कुछ इस तरीके से होगा। हाँ यहाँ पे सवाल आता है क्या सर टू एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक तो हमेशा एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, तो यहाँ पे क्या ये हमेशा इसका इंटरसेक्ट करने का तो सवाल ही नहीं आता है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये तो हमेशा एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं ना। सही है क्या, डेरिवेटिव करो ना, देखो आपको वैल्यू या फिर वैल्यू भी आप चेक कर सकते हो किसी भी जगह पे। ठीक है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है ना, बट बेस जो है वो अगर टू देता है यहाँ पे तो ज्यादा फील आता नहीं, तो समझ आ जाता कि टू रेज टू पावर एक्स और लॉग एक्स बेस टू जो है वो एक दूसरे का मिरर इमेजेस होगा, और एक्स इक्वल टू हाफ और एक्स इक्वल टू ये पॉइंट एक्स बराबर वन होता है ना, तो एक्स बराबर हाफ वाला जो लाइन हो जाएगा वो कौन सा होगा, वो एग्जैक्टली ये सीन होगा ना, एक्स इक्वल टू हाफ और एक्स इक्वल टू टू कहां तक होगा, ये हो जाएगा, ये सब तेरह हो गया यार, एक्स इक्वल टू टू मान लीजिए यहां तक है, तो आपको जो एरिया बाउंड करना है ये चारों ये दो स्ट्रेट लाइन और ये दोनों कर्व से, तो ये एरिया हो जाएगा। अभी ये एरिया एग्जैक्टली है क्या, क्या है बोलो, यहां से यहां तक तो ये कर्व एक्सपोनेंशियल अकेला एरिया बाउंड कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और यहां से यहां तक ये दोनों कर्व का डिफरेंस हो जाएगा, दैट इज टोटल एरिया जो आएगा वो अगर मैं ध्यान से देखूं तो हाफ से लेकर के वन तक तो सिर्फ टू टू दी पावर एक्स डी एक्स ही होगा, और अगर मैं वन से टू का बात करूं तो वो हो जाएगा टू टू दी पावर एक्स माइनस ऑफ लॉग एक्स बेस टू डी एक्स। सही है क्या, क्लियर, तो देखो वन से टू में ये अपर कर्व माइनस लोअर कर्व हो रहा है, और हाफ से लेकर के वन तक सिर्फ अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो वाई इक्वल टू जीरो ही है, तो टू टू दी पावर एक्स माइनस जीरो इज टू टू दी पावर एक्स एक्सल। ठीक है, तो इस एरिया को आप कैलकुलेट कर लो इस इंटीग्रेशन को, तो आपके पास ये एरिया बाउंड मिल जाएगा। सही है क्या, क्लियर, बाकी लिखने का तरीका आप खुद से सजा करके उसको लिखो। सही है,
अगला प्रॉब्लम बोर्ड्स का एक फेवरेबल और अच्छा चॉइस हो सकता है, ये क्वेश्चन नंबर 37। मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं प्रॉपरली, आप देखते जाओ क्या बोल रहा है सवाल में। सवाल में बोल रहा है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x और x स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये दोनों कर्व डिवाइड कर रहा है एरिया ऑफ द स्क्वायर बाउंडेड बाय x बराबर 4 y बराबर 4 एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ये एरिया पहले बना लो आप, x बराबर 4 मान लो ये लाइन है, y बराबर 4 मान लो ये लाइन है, तो ये एक स्क्वायर आपको दिख रहा है। अभी ये दोनों ही कर्व 4.4, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4.4, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों ही कर्व इस पॉइंट से पास करता है, बिकॉज x अगर यहाँ पे 4 रखोगे तो y का वैल्यू प्लस माइनस 4 मिलेगा, और यहाँ पे भी अगर x 4 रखोगे तो y का वैल्यू कहीं ना कहीं 4 मिलेगा। सही है क्या? तो ये दोनों ही कर्व इस पॉइंट से पास करेगा, दैट इज ये दोनों कर्व एग्जैक्टली अगर अपन ध्यान से देखे तो इसी जगह पे इंटरसेक्ट भी करेगा। सही है क्या? x टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 16 और ये 64 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे y का वैल्यू x स्क्वायर अपॉन 4 पुट करूं तो ये x टू दी पावर 4 अपॉन 4 स्क्वायर 4 क्यूब ना, तो x का वैल्यू 4 आएगा, 0 और 4 भी ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट करेगा। ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू x स्क्वायर बाई 4, और एक और कर्व आएगा इस तरीके से, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू सॉरी y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये कर्व हो जाएगा। सही है क्या? अभी आपको क्या बोल रहा है? आपको बोल रहा है क्वेश्चन में इस स्क्वायर को ये दोनों कर्व तीन इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। ठीक है ना? तो तीन इक्वल एरिया में अगर डिवाइड करना होता है तो और मैं अच्छे से फिगर बनाता हूं तो आपको और ज्यादा फील आएगा, फील का ही तो चक्कर है ना भाई पूरा पूरा, तो और अच्छे से फील दिलाता हूं। देखो मान लो ये इसको अपन ऐसे कर देते इस कर्व को, और ये 4.4, अभी समझ आ रहा है ना कि ये हो गया एक एरिया, ये हो गया एक एरिया। सही है क्या? फिर मान लो ये हो गया एक एरिया, ठीक है, और फिर मान लो ये हो गया एक और एरिया, ये हो गया एक और एरिया, तो ये y है, ये x है, तो ये a1 a2 a3 ये तीनों एरिया सेम है। वही एग्जाम्पल प्रूफ करने बोल रहा कि ये दोनों कर्व इस स्क्वायर के बीच में एरिया बाउंड जो हो रहा है इसको तीन इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहा है। सही है क्या? क्लियर? तो हम देखेंगे कैसे, वो शुरू कर दे। लेट द कर्व्स, लेट द कर्व्स y इक्वल टू x स्क्वायर बाई 4 एंड y स्क्वायर इक्वल टू 4x डिवाइड्स द स्क्वायर रीजन formed by lines x equal to 0, x equal to 4, y equal to 0 and y equal to 4 in three region, equal region मत लिख देना क्योंकि equal तो प्रूफ करना है, of areas a1, a2 and a3। ठीक है, एज शोन इन फिगर। आप शेडिंग वगैरह ना करके डायरेक्टली यहां पे a1 इसको a2 इसको a3 लिख सकते हो। सही है? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अपन क्या लिखेंगे यहां से सबसे पहले, नाउ द एरिया बाउंडेड बाय y बराबर x स्क्वायर बाय 4 विथ x एक्सिस इज, यह है आपका a1 है ना, जो कि हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 4, इंटीग्रेशन 0 से 4, ठीक है, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 4 dx। ठीक है ना भाई? तो ये कितना आएगा 1/4 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, 4 अपर लिमिट 0 लोअर लिमिट, तो ये 1/4 इंटू 4 क्यूब बाई 3 हो जाएगा, दैट इज 16/3 स्क्वायर लिमिट। सही है?
अगेन, या फिर अगेन ना लिख करके अगेन लिखना, द एरिया बाउंडेड बाय द टू कर्व्स y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाय 4 एंड y स्क्वेयर इक्वल टू 4x इज, अगेन लिख दो, ये तो अधूरा लगता है, a2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, वही 0 से 4 तक ही चलेगा लिमिट, ठीक है, और ये a2 वाला रीजन क्या हो जाएगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व होगा ना, तो अपर कर्व तो आएगा रूट 4x माइनस लोअर कर्व क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर बाई 4 इंटू dx, तो ये आ जाएगा आपका 20 से 4 रूट एक्स dx माइनस 1/4 0 से 4 एक्स स्क्वेयर dx, सही है क्या, तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू एक्स टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 और ये अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 0 माइनस 1/4 एक्स क्यूब बाई 3 और ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 0, तो ये आएगा 2 इंटू 2 4/3 और यहाँ पे 4 टू दी पावर 3/2 ये कितना आ जाएगा 8 माइनस 0 और माइनस 1/4 ये आ जाएगा आपका 64/3, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आ रहा है 32/3 माइनस 16/3, आंसर विल बी योर 16/3 स्क्वायर यूनिट। देखो ये दोनों तो सेम आ चुका है ऑलरेडी, एंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू y स्क्वायर इक्वल टू 4x, दैट इज a3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से 4, इसको आप क्या करोगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा दैट इज 4 माइनस 2 रूट एक्स dx हो जाएगा, और y हम प्लस माइनस ना लेके पॉजिटिव ले रहे बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात चल रहा है, इसको कैलकुलेट करो 16/3 स्क्वायर यूनिट आपको मिल जाएगा, सही है क्या, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना एक चीज दोस्त, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि पूरा ट्राइंगल का एरिया माइनस दिस एरिया है ना, एक ही बात है कि डायरेक्टली 2 रूट एक्स dx इन 0 से 4 जो एरिया बाउंड कर रहा है उसको हम पूरा स्क्वायर से माइनस कर देंगे, एक ही बात है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर देखोगे कि एज a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3 देयरफॉर इट इज प्रूव दैट द एरिया बाउंड बाय द कर्व्स y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4y एरिया बाउंड बाय मत लिख देना, देयरफॉर इट्स प्रूव दैट द कर्व्स y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर बराबर 4y डिवाइड्स द एरिया ऑफ द स्क्वायर बाउंडेड बाय ये सब इन इक्वल 3 पार्ट्स, ठीक है, क्लियर, इस तरीके से कंक्लूजन दे दोगे, मेरा और जगह नहीं, मैं नीट में लिख देता, सही है, तो आप लिख लो, ठीक है ना, तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं अपन करेंगे, समझ जाना बात को, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, वही आपको इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन वापस आया, तो इसको सॉल्व करना बनता है आपका, पीछे सॉल्व कैसे कर सकते हैं आप, ठीक है क्या, बोलिए सर, बोलिए, बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, ये रीजन क्या है पहले तो इसको जज करना बनता है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू वाई एक्स लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे जो दो कर्व बन रहा है वो दोनों कर्व को पहले ढूंढो, y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 1 एक कर्व है और y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर एक कर्व है, अभी अगर मैं इसका बात करूं तो इसको पता नहीं चल रहा है देख के क्या है, बट जैसे ही स्क्वेयरिंग करोगे तो ये समझ आएगा कि अच्छा ये तो एक सर्कल है, बट एज यहाँ पे सिर्फ प्लस साइन दिया है तो आप समझ जाओगे कि ये कंप्लीट सर्कल नहीं है, ये तो एक सर्कल है बट ये जनाब जो है वो हकीकत में क्या है सेमी सर्कल है और वो ऊपर वाला हिस्सा आएगा सिर्फ, ठीक है, तो सेंटर 0-0 है और रेडियस रूट 5 यूनिट है, तो क्लियरली आप लोगों को पता चल रहा है कि सेंटर 0-0 और रेडियस रूट 5 अगर है तो ये वाला सेमी सर्कल हो जाएगा, ये रूट 5.0 और ये माइनस रूट 5.0 और मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 वाला जो लाइन है वो क्या हो जाएगा, अपन क्या करेंगे वन यूनिट आगे शिफ्ट कर देंगे इसको, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये 1.0 हो जाएगा,
अभी जो एरिया बाउंड हो जाएगा वो क्या होगा, 0.0 चेक कर लो, दोनों केस में 0.0 को लेकर के चेक कर सकते हो, सबसे आसान पॉइंट है। क्या 0.0 इधर सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है, मतलब इस लाइन का अंदर वाला 0.0 जिस रीजियन में है, दैट इज बाहर वाला रीजियन, वो तो आ नहीं सकता है, तो कौन सा रीजियन होगा? उसका अंदर वाला रीजियन होगा, दैट इज ये वाला रीजियन। और अगर इधर चेक करूं तो इधर 0.0 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस सेमी सर्कल के लिए 0.0 इज करेक्ट, दैट इज 0.0 जिधर है वही होगा आंसर, दैट इज इनसाइड वाला रीजन। ये तो एक सर्कल बनेगा ना इनसाइड वाला रीजन, तो ऑब्वियसली जो इंटरसेक्शन आएगा वो कौन सा हो गया, वो यही रीजन हो गया। तो इसी रीजन का आपका एरिया निकालना होगा, तो इस रीजन का एरिया आप कैसे निकालेंगे, पहले तो आपको ये दोनों कोऑर्डिनेट्स निकालना होगा सॉल्व करके। अभी इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को अपन सॉल्व कैसे करेंगे बोलो, सॉल्व कैसे करेंगे इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को? सिंपल सा चीज है, मॉड ऑफ x-1 इक्वल टू, दोनों का y को इक्वेट कर दो, रूट ऑफ आवर 5-x² स्क्वेयरिंग करो, तो x² - 2x + 1 इक्वल टू 5-x², तो यहां से आ रहा है 2x² - 2x - 4 इक्वल टू 0, तो ये आ रहा है x² - x - 2 इक्वल टू 0, सही है क्या? तो यहां से x - 2 x + 1 क्लियरली दिख रहा है, तो ये x का वैल्यू 2 और -1 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा x इक्वल टू 2 और ये हो जाएगा आपका x = -1, सही बात है ना। अभी बहुत बच्चे यहाँ पे इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि x जब 1 से बड़ा है तो मॉड ऑफ x - 1 बिकम्स x - 1, तो x - 1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5-x² को सॉल्व करेंगे, और x जब 1 से छोटा है तो मॉड ऑफ x - 1 बिकम्स 1-x, तो 1-x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5-x² को सॉल्व करेंगे। दोनों से सॉल्व करके आप देख लीजिए, इधर वाले को 2 सेटिस्फाई करेगा और ऑब्वियसली कर भी रहा है, इधर वाले को -1 सेटिस्फाई करेगा, ऑब्वियसली कर भी रहा है, ठीक है? तो आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज मैंने को दिख दिया कि इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा, और स्क्वेयरिंग करने से हमारे को दो चीज को ऐसे मिल जाएगा, ठीक है? तो अपन जो एरिया लिखेंगे वो एरिया क्या हो जाएगा बोलो, यहां से यहां तक तो अपर कर्व पूरा ही तो सेम है ना, ये जो मॉड्यूलस वाला चीज है ये तो पूरा ही लोअर कर्व बन रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो -1 से 2 पे डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लो, अपर माइनस लोअर, अपर क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5-x² और माइनस लोअर क्या हो जाएगा, अच्छा लोअर वाला तो चेंज करेगा ना अपने आप को, डेफिनेशन तो चेंज होगा ना लोअर वाले का, कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो मॉड ऑफ x - 1 dx लिख दो और बाद में जाकर के इसको चेक ब्रेक कर देना, दैट इज ये 1 पे ब्रेक होगा ना, तो -1 से 1 तक ये हो जाएगा 5-x² - x - 1 dx, ठीक है? और +1 से 2 तक ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5-x² - -x - 1, दैट इज +x - 1 dx, सही बात है, क्लियर? तो इस चीज को आराम से सॉल्व कर लो, आपके पास जो है आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, सही बात है, क्लियर? तो इस तरीके से अपन प्रॉब्लम को सोचेंगे एंड सॉल्व भी करेंगे, सही बात है। अगले प्रॉब्लम में चलते, चलिए ये भी एक सर्कल दिख रहा है, ये भी जनाब एक सर्कल ही दिख रहा है, ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलो आगे बात करते हैं भाई, आगे बात करते हैं, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4-x², दैट इज ये एक सेमी सर्कल है, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4-x², ये एक सेमी सर्कल है, और दूसरा वाला तो एक सर्कल दिख रहा है, x² + y² - 4x = 0, इट्स अ सर्कल, और इस सर्कल का जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि +4 और -4 का जरूरत है, दैट इज ये बन जाएगा x - 2 होल स्क्वायर + y - 0 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2 स्क्वायर, तो इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा 2.0 और रेडियस 2 यूनिट हो जाएगा, सही बात है क्या? सेंटर हो जाएगा 1.2.0 और रेडियस 2 यूनिट, दैट इज ये हो जाएगा आपका सर्कल, ठीक है? ये 2.0, ये पॉइंट हो जाएगा 4.0, ये पॉइंट हो जाएगा 0.0, और दूसरा वाला जो सेमी सर्कल आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, सेंटर ओरिजिन और रेडियस 2 यूनिट, क्योंकि x² + y² = 4 दिख रहा है ना, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका -2.0, सही बात है क्या, क्लियर? तो अभी आप बोलो तो क्या पूछा है, द एरिया बाउंडेड बाई दिस दैट एंड एक्स एक्सिस, वही टेंशन था मेरा कि एक्स एक्सिस अगर नहीं लिखता तब तो मैंने एरिया निकाल नहीं पाते ना, पर क्योंकि बाउंड होता ही नहीं, अभी एक्स एक्सिस सुनने के बाद पता चला अच्छा इस एरिया का बात चल रहा है, ठीक है? इस एरिया का अगर बात चल रहा है तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक, जीरो से यहां तक इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और इस पॉइंट के बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अभी ये पॉइंट है क्या वो निकालना पड़ेगा दोनों को सॉल्व करके,
तो उसके लिए दोनों को सॉल्व करो, वाई स्क्वेयर यहां से क्या आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो पुट कर दो वाई स्क्वेयर की जगह पे 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो बात बन जाएगा भाई एक्स का वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगा। एक्स अगर 1 आ गया तो ये होगा एक्स इक्वल टू 1, सही बात है क्या? अगर ये एक्स इक्वल टू 1 हो गया तो 0 से 1 तक ये कौन सा होगा, सर्कल होगा ना, 0 से 1 तक तो सर्कल का हिस्सा आ रहा है, और सर्कल का हिस्सा कितना होगा अंडर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, सही बात है क्या? और प्लस अगर मैं 1 से 2 तक करूं तो 1 से 2 तक सेमी सर्कल आएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx आएगा। सर्कल से भी मेरे को y का वैल्यू प्लस माइनस में मिलता, बट मैंने प्लस क्यों लिया, बिकॉज फर्स्ट क्वार्टर में बातचीत चल रहा है, सही है क्या, इसीलिए प्लस लिया, सही है। और ये तो आराम से आप सॉल्व कर ही सकते हो, अंडर रूट क्वाड्रेटिक dx ये तो आपको करा दिया गया है ना, 2 को 4 को ऐड कर दो, 4 को घटा दो, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, सही है, तो आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो इंडेफिनिट पे ज्यादा सवाल देने का जरूरत नहीं है, ये सारे इंडेफिनिट अपन इधर के थ्रू चेक कर सकते हैं, अगर देना भी है तो बढ़िया सवाल आता है इंडेफिनिट में, अगर नहीं आता तो नहीं आता, बट अगर कभी आएगा तो अच्छा क्वेश्चन आएगा मान के चले, क्योंकि बाकी पूरा दुनिया में इंडेफिनिट यूज हो जाता है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज होता है, एरिया पे यूज होता है, डेफिनेट पे यूज होता है, और कितना यूज करेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते चलिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज योर एरिया बाउंडेड बाई साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एंड वाई एक्सिस, एरिया बाउंडेड बाई y इक्वल टू साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x एंड y एक्सिस, ठीक है, एंड y एक्सिस, तो ये हो गया y एक्सिस, साइन इनवर्स और cos इनवर्स क्या होता है ग्राफ, ये होता है शायद साइन इनवर्स का ग्राफ इन माइनस वन टू वन, और इधर होता है आपका माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और cos इनवर्स क्या होगा, कॉस इनवर्स मेरे ख्याल से तो और ऊपर होगा, ठीक है ना, आपको दिख रहा है या नहीं, वही मेरा टेंशन है, ऐसे हो जाएगा ना कॉस इनवर्स, चलो कोई बात नहीं, आपको बोला तो दिख रहा है नहीं दिख रहा, आपको समझ आ ही जाएगा कि कॉस इनवर्स साइन इनवर्स और वाई एक्सिस मिलकर कौन सा एरिया बाउंड कर रहा है, दैट इज ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है ना, तो ये दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कहां पे करेगा जनाब, बोल दे भाई, ये पॉइंट हो जाएगा 1/√2 और ये पॉइंट हो जाएगा पाई बाई फोर, बिकॉज कॉस इनवर्स 1/√2 या फिर साइन इनवर्स 1/√2 दोनों ही पाई बाई फोर होता है, तो ये पॉइंट पाई बाई फोर हो जाएगा। तो अपन अगर इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पे क्या इंटीग्रेट करेंगे बोलो, जीरो से पाई बाई फोर तक हम एक्स डीवाई लेके चलेंगे, और फिर अपन पाई बाई फोर से पाई बाई टू तक क्या लेके जाएंगे, दूसरा एक्स डीवाई, दैट इज ये एक्स डीवाई का फील नहीं आता, ऐसे मत लिखिएगा, ऑब्वियसली जीरो से पाई बाई फोर एक्स कौन है, साइन इनवर्स, तो वाई है साइन इनवर्स एक्स, एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा साइन वाई डी वाई, एक्स हो जाएगा साइन वाई डी वाई, सही है क्या, तो एक्स साइन वाई यहाँ पे कैसे मिल रहा है हमारे को, ध्यान से समझना पड़ेगा, यहां से ऐसे मुफ्त का नहीं कि एक्स को साइन इनवर्स को उधर लेकर के बैठा दिया, ये सब बोर्ड वालों का काम है, समझे कि आपका काम ये सब नहीं, तो साइन ऑफ वाई बोथ साइड लगाया, बोथ साइड मैंने साइन ऑपरेट किया, तब जाकर के टी टी इनवर्स होकर के ये एक्स आया, तो बाय डेफिनेशन भी आप बोल सकते हो दोनों ही ट्रू है, और पाई बाई फोर से पाई बाई टू जो कर्व है वो कौन सा है, कॉस इनवर्स है, वाई बराबर कॉस इनवर्स, तो एक्स बराबर कॉस वाई डी वाई, तो बस इन दोनों को कैलकुलेट कर दो, समेशन करो, आंसर मिल जाएगा, सही बात है, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते, द एरिया बाउंडेड बाई वाई बराबर एफ एक्स एक्स एक्सिस एक्स इक्वल टू पाई बाई थ्री एक्स बराबर अल्फा, अल्फा ग्रेटर देन पाई बाई थ्री इज दिस, देन फाइंड द एफ ऑफ पाई बाई टू, ठीक बात है, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं भाई, टेंशन मत लो, धीरे से करते रहो, प्रॉब्लम को आराम से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, द एरिया बाउंडेड बाई वाई बराबर एफ एक्स एक्स एक्सिस एक्स बराबर पाई बाई टू एक्स बराबर अल्फा, अल्फा इज ग्रेटर देन पाई बाई थ्री, अच्छा मतलब कुछ कुछ फील आ रहा है, कुछ कुछ तो हो रहा है, कुछ कुछ तो हो रहा है, सबसे इनिशियल लाइन देख ले कौन है, x बराबर पाई बाई थ्री, सही बात है, अल्फा सेकंड कौन है, अल्फा, बट अल्फा इज ग्रेटर देन पाई बाई थ्री, अल्फा इज ग्रेटर देन पाई बाई थ्री, एक्स एक्सिस एंड वाई बराबर एफ एक्स, अच्छा बट हमारे को ये पता नहीं है क्या इस इंटरवल में एफ एक्स एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा, ऑब्वियसली ये बता के देना चाहिए था क्वेश्चन वाले को,
बट अगर वो नहीं बता के दे रहे इसका मतलब तो गड़बड़ है यहाँ पे। सही बात है क्या? मान लेते ऊपर है, मान लेते ऊपर है, चलो ऊपर अगर है तो एरिया बाउंडेड बाई दिस कर्व दिस टू लाइन एंड एक्सिस शुड बी इक्वल टू जीरो से सॉरी पाई बाई थ्री से अल्फा शुड बी इक्वल टू पाई बाई थ्री से अल्फा एफ ऑफ अल्फा डी अल्फा पाई बाई थ्री से अल्फा एफ ऑफ अल्फा डी अल्फा क्या लिखना भैया एफ एक्स डी एक्स होगा। मेरा दिमाग खराब हो गया क्या? एफ एक्स डी एक्स होगा और ये चीज किसकी इक्वल आ रहा है भाई? एरिया दिया हुआ है ना आपको अल्फा कॉस अल्फा प्लस पाई बाई थ्री साइन अल्फा, अल्फा कॉस अल्फा प्लस पाई बाई थ्री साइन अल्फा प्लस रूट थ्री अल्फा बाई टू प्लस रूट थ्री अल्फा बाई टू। ठीक है, यहां से अपन क्या कर सकते भाई, यहां से एफ ऑफ पाई बाई टू निकालना है आपको, तो एफ ऑफ अल्फा जब तक नहीं मिलेगा तो एफ ऑफ पाई बाई टू कैसे आएगा, ये भी सवाल है। सही बात है क्या? है ना, तो यहां से एफ ऑफ अल्फा निकालने का तरीका पता है तेरे को? वेरिएबल लिमिट्स जब भी दिख जाता है तो सर ने याद कराया था लेबनीज़ का नाम दिमाग में आना चाहिए, डिफरेंशिएशन कर इसको, तो एफ ऑफ अल्फा इंटू डेरिवेटिव ऑफ अल्फा वन माइनस एफ ऑफ पाई बाई थ्री फॉरवर्ड अबाउट इट इंटू डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई थ्री जीरो हो जाएगा, इधर डेरिवेटिव करो तो माइनस अल्फा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस पाई बाई थ्री कॉस अल्फा और उधर आ जाएगा प्लस रूट थ्री अपॉन टू। सही बात है क्या? तो एफ अल्फा यहां से मिल गया, एफ अल्फा अगर मिल गया तो सिंपल लेबनीज़ का एप्लीकेशन है और कुछ नहीं, और एरिया को थोड़ा बहुत घुमा करके यूज किया। ऐसे एडवांस पूछ रखिए, बहुत सारे सवाल याद रखिएगा, ठीक है ना? आंसर विल बी योर रूट थ्री माइनस पाई डिवाइडेड बाई टू। क्लियर है क्या? ये हो जाएगा एफ ऑफ पाई बाई टू का वैल्यू। देखते हो तो आंसर दिया हुआ है क्या? आंसर नहीं दिया, यही होगा आंसर और क्या। ठीक है क्या? सही बात है, बट ये मैं प्रिसाइसली बोलना चाहिए था कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है ना इन द इंटरवल पाई बाई थ्री टू अल्फा या फिर लेस देन इक्वल टू जीरो। खैर एक चीज सोच के देखो ना, एक चीज सोच के देखो आप कि सर बोलो सर कि अगर फंक्शन इस इंटरवल में पूरा पूरा नेगेटिव भी हो जाता तो अपन क्या करते, यहां पर मॉड्यूलस लगा देते, लगाते नहीं लगाते मॉड्यूलस लगाते बराबर, मॉड्यूलस जब खोलते तब यहां पे प्लस माइनस लेके चलते। ठीक है, तो अगर मैं आपको पजल करने का कोशिश करूं तो यहां पे और भी अगर मैं इस क्वेश्चन को एक वन और मोर देन वन वाला ऑप्शन बना दूं तो मैं आपको फंसा सकता हूं यहां पे। ठीक है क्या? मैं फंसा सकता हूं। मैंने बोला कि अगर मैं एक पार्ट यहां पे एक्स्ट्रा एड कर दिया, सोचना जरा, सोचने से ये सब निकलता है कि मान लो मैंने यहां पे एक्स्ट्रा एक पार्ट ऐड कर दिया कि फंक्शन इज कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस और बिलो एक्स एक्सिस इन दैट इंटरवल पाई बाई थ्री से अल्फा। तो अगर अबव एक्स एक्सिस है या फिर बिलो एक्स एक्सिस है तब आप डर जाओगे और डर के आप मॉड्यूलस लगा दोगे, बोलोगे कि सर अगर अबव एक्स एक्सिस होता है तब तो मॉड्यूलस सेफ रखेगा और बिलो एक्स एक्सिस होता है तब तो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, टेंशन की बात नहीं है। तो अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा तब यहां पर प्लस माइनस आ जाएगा और अगर प्लस माइनस आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि अपन क्या करेंगे यहां पे, अगर प्लस माइनस आ गया तो प्लस माइनस आ गया तो प्लस माइनस को सम्मान देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहां पे ये भी एक पॉसिबल आंसर हो जाएगा और पाई माइनस रूट थ्री बाई टू भी एक और पॉसिबल आंसर हो जाएगा। सही बात है, क्लियर? ठीक है चलो, तो ये हो गया आपका चॉइस है ना, रूट थ्री माइनस पाई डिवाइडेड बाई टू भी एक चॉइस हो जाएगा, तो वन और मोर देन वन में अपन दोनों को ही करेक्ट मार्क कर सकते हैं। सही है क्या? तो इस तरीके से आप फील कर सकते हो चीजों को। बट अगर ये बीच में क्रॉस करके जाता है एक्स एक्सिस को, ऐसा सीन अगर हो जाता है तब लफड़ा हो जाएगा, तब यहां पे अपन डायरेक्टली कुछ बोल नहीं पाएंगे क्योंकि तब यहां पे एक बीटा भी एग्जिस्ट कर जाएगा, तब यहां पे एक बीटा भी एग्जिस्ट कर जाएगा, आपको और कुछ इंफॉर्मेशन का जरूरत होगा, तब तो मेरे को पता नहीं चलेगा ना कि किसको किधर ऊपर रखना है किधर नीचे रखना है। ये क्वेश्चन खास करके अगर देखा जाए तो इनकम्प्लीट है, बट अगर ये पूछता है आपको तो कंप्लीट करके पूछेगा, टेंशन मत लो उसका, सारे कंसेप्ट आपके पास अवेलेबल है, जैसे वो जोड़ने के लिए देगा आप जोड़ के रख दीजिए, खत्म। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। चलिए सर, चलिए आगे बढ़ते। वाई बराबर एल एन मॉड एक्स और वाई बराबर एल एन मॉड एक्स का मॉड
ये क्या कराओगे, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन से पता है तेरे को, ग्राफ कैसे बनाते हैं। ये हो गया एल एन एक्स, एल एन मॉड एक्स क्या हो जाएगा, एल एन मॉड एक्स अंदर में अगर मॉड लगाऊं तो क्या होता है, अंदर में अगर मॉड लगाया तो ये हो जाएगा, इनपुट सारे के सारे पॉजिटिव आ जाएगा ना, तो डोमेन जो भी होगा वो पॉजिटिव बैठेगा, डोमेन तो नेगेटिव कभी बैठता भी नहीं है, तो एल एन मॉड एक्स और एल एन एक्स तो एक ही बात है, क्योंकि एक्स तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, तो यही रहेगा, क्योंकि अंदर मॉड लगने से लेफ्ट वाला पार्ट रिलीज होता है, इसका रिफ्लेक्शन उधर जाता है, तो यही होगा। एल एन मॉड एक्स का मॉड्यूलस जब भी अपन लेंगे, एल एन मॉड एक्स का मॉड्यूलस जब भी अपन लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, शायद ऐसे हो जाएगा कर्व, ऐसे हो जाएगा ना, यही कर्व होगा शायद, ठीक है, एल एन मॉड एक्स का मॉड्यूलस, तब तो पॉजिटिव आ जाएगा ना आपका पूरा पूरा रेंज, ठीक है, एल एन मॉड एक्स और एल एन एक्स एक ही बात है, बिकॉज एक्स तो पॉजिटिव होता है, तो मॉड एक्स और एक्स लिखना एक ही बात है, तो ये हो जाएगा। अब तो बोल रहा है कि ये दोनों फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस टू कर्व इन द इंटरवल माइनस वन टू वन, माइनस वन आ गया, ठीक है। अच्छा सॉरी, एल एन मॉड एक्स में नेगेटिव पार्ट भी तो आ जाएगा ना भाई, नेगेटिव पार्ट भी तो आ जाएगा, तो इसका इधर वाला इरेज तो होगा और इसका रिफ्लेक्शन भी उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा एल एन मॉड एक्स, ये पार्ट हो जाएगा माइनस वन, ये पार्ट हो जाएगा वन, और एल एन मॉड एक्स का मॉड एक्स जब करेंगे तब ये आ जाएगा आपका, ऐसे तो होगा ही और ऐसे भी हो जाएगा, सही बात है क्या, ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बोलता है कि माइनस वन से वन ये दोनों कर्व, रेड और ब्लू वाला कर्व मिलकर जो एरिया बाउंड कर रहा है वो आप निकाल के दो, तो ऑब्वियसली ये कौन सा एरिया होगा, ये वाला अनबाउंडेड एरिया होगा, तो इस अनबाउंडेड एरिया को अगर आप निकालना चाहते हो तो सिमेट्री से आप देख सकते हो कि ये अगर ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, तो टोटल एरिया जो हो जाएगा, टोटल एरिया जो हो जाएगा वो मैं एक क्वाड्रेंट में निकाल के फोर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, एक क्वाड्रेंट वाला एरिया क्या हो जाएगा, फोर इंटू जीरो से वन, ये वाला जीरो से वन में क्या हो जाएगा ना, एल एन मॉड एक्स, तो एल एन एक्स ही रहेगा, एल एन एक्स ही रहेगा, और मॉड्यूलस ऑफ एल एन एक्स जीरो से वन में, जीरो से वन में एल एन एक्स तो नेगेटिव हो जाता है, तो ये माइनस ऑफ एल एन एक्स हो जाएगा, बस इसको कैलकुलेट कर लो और जो भी आंसर आता है दे दो वही आंसर, सही बात है ना, इसको कैलकुलेट कर लो तो हो जाएगा आपके पास, आपको जवाब मिल जाएगा, सही है ना, और फोर से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता है वही दे देना, ठीक है। तो भाई इस तरह क्वेश्चन आ सकता है बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मेशन, मेंस वगैरह में पूछ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज के लिए लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं, फाइंड द एरिया समथिंग समथिंग, क्या क्या पूछ रखा है देखो, फाइंड द एरिया बाउंडेड ऑन द राइट बाई द लाइन वाई प्लस एक्स इक्वल टू थ्री, दैट इज वाई इक्वल टू थ्री माइनस एक्स, ये क्या है भाई, फाइंड द एरिया बाउंडेड ऑन द राइट बाई द लाइन ऑन द अपसाइड बाई द कर्व ऑन द लेफ्ट, अरे भाई माफ करो जनाब, वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन, पहले तीन जनाब को बनाते हैं, बाई वाई एक्स इज एंड बी एक्स एक्स, अरे बाप रे क्या बात कर दी सर आपने, तो अजीब सा सवाल लग रहा है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड वाई बराबर थ्री माइनस एक्स, थ्री माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री, तो एक्स जीरो जहां पे होगा तो वाई थ्री हो जाएगा, तो इस कर्व को थोड़ा नीचे लेकर के आते हैं, ये हो जाएगा आपका वन, ठीक है, और थ्री माइनस एक्स मान लो ऐसे होगा, ये थ्री बोल देते ये भी थ्री बोल देते, सही है क्या, अच्छा चल देखते हैं, अभी 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 पढ़ के देखते हैं, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट भी निकाल के रख देते, चल टेंशन पहले हटा दे, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू थ्री माइनस एक्स सॉल्व कर लो, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, एक्स का वैल्यू माइनस टू और प्लस वन, यही होगा शायद माइनस टू प्लस वन, हाँ सही है भैया, तो ये पॉइंट हो जाएगा तेरा माइनस टू, ये पॉइंट हो जाएगा तेरा वन, अभी पढ़ते हैं, फाइंड द एरिया बाउंडेड ऑन द राइट बाय द लाइन ऑन द राइट, अच्छा बाय द लाइन, बाय द लाइन मेरा इंग्लिश तो बहुत खराब है, ऊपर से ये सवाल मेरे लिए करना बहुत मुश्किल है, ऑन द अपसाइड बाय द कर्व, मैं आपको एक ट्रिक बता सकता हूं, जब भी इस तरह का अजीबोगरीब सवाल मिले ना, आप जो भी बोले उसका उल्टा करो, इंग्लिश में समझा नहीं सकता आपको,
आप पढ़ के समझ जाना, अगर समझ आता है तो मेरे साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि मेरे को ये समझने का हालत में नहीं हूं मैं अभी। आप जो भी बोले उसका उल्टा करो, ये एक ट्रिक होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है, जो भी बोले उसका उल्टा करो हो जाएगा। वो बोल रहा है कि ऑन द राइट, तो इस स्ट्रेट लाइन का राइट ये है तो अपन लेफ्ट लेंगे, जो भी बोलेगा उसका उल्टा करेंगे। बाय द लाइन ऑन द अपसाइड, बाय द लाइन तो अच्छा लाइन तो हो गया, ऑन द अपसाइड बाय द कर्व, कर्व का अपसाइड बोला है, ऑन द अपसाइड बाय द कर्व, ऑन द लेफ्ट बाय वाई एक्सिस, ऑन द लेफ्ट बाय वाई एक्सिस, अपसाइड तो ऑन द अपसाइड मतलब राइट और लेफ्ट में आप उल्टा करके चलना, समझ आ रहा है ना, तो बेहतर होगा। राइट और लेफ्ट में अपसाइड तो अपसाइड ही होगा, अपसाइड तो समझ ही आ रहा है, अपवर्ड पोर्शन ऑफ द पैराबोला, ऑन द अपसाइड बाय द कर्व, ठीक है, ऑन द लेफ्ट बाय वाई एक्सिस, तो ऑन द लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस तो ये वाला है, तो बाय वाई एक्सिस बोल तो उल्टा ले लेंगे, तो ये राइट वाला पोर्शन ले लेंगे, एंड बिलो एक्स एक्सिस, बिलो बोला है तो अपवर्ड लेंगे, तो ये वाला पोर्शन। तो ऑब्वियसली मेरे को समझ आ रहा है कि ये वाला एरिया बाउंड करना है, ये वाला एरिया निकालना कैसे, वो तो आप जानते हो कि जीरो से वन ऊपर वाला स्ट्रेट लाइन थ्री माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन डीएक्स, बट ये इंग्लिश समझाना मेरे बस में नहीं है। आपको अगर समझ आता है तो आप मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। बाकी मैं ये अजीब गरीब सवाल में बहुत पहले करा रहा था, अभी आज बहुत दिन बाद आया ये, बट ये यार सोचना मेरे बस में नहीं है। ऑन द राइट बाई द लाइन, ये क्या है भाई, ऐसा ग्रामेटिकल मिस्टेक हम नहीं बनेगा। चलो छोड़ो, ऐसा ये मजेदार क्वेश्चन है, ऐसे ये सब सवाल नहीं आता। खैर और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आपका शीट में और कुछ पार्ट बाकी है तो और कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स देखते हैं, उसके बाद खत्म हो जाएगा चैप्टर। चलो तो चलिए दोस्त देख लेते हैं हमारा अगला पार्ट, पहला क्वेश्चन देखे और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं तो चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए कम्प्लीट हो जाएगा। चलो फिर डिस्कशन तो रहेगा उसके थ्रू और उसमें पॉलिश आएगा चैप्टर में, वो तो ठीक है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। f एक फंक्शन दे रखा है माइनस टू से फोर उसका डोमेन है और जीरो से इंफिनिटी उसका कोडोमेन है। यह है आपका माइनस टू से लेकर के फोर तक और यह है आपका जीरो से इंफिनिटी तक, सही बात है क्या? ये कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट f ऑफ वन प्लस एक्स बराबर f ऑफ वन माइनस एक्स, सही बात है क्या? f ऑफ वन प्लस एक्स जो है वो f ऑफ वन माइनस एक्स के इक्वल है, सच दैट x का वैल्यू जो है वो माइनस टू से फोर के इक्वल। R1 is the numerical value of the area of the region y बराबर fx in the interval minus 2 से 4, तो R1 का जो वैल्यू हो जाएगा कहीं ना कहीं वो हो जाएगा माइनस 2 से 4 पे fx dx, सही है क्या? और R2 जो दिया गया है वो आपका है क्या है R2 देख लीजिए प्रॉपरली माइनस 2 से 4 x fx dx, सही बात है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस जगह से R1 बाई R2 आपको निकालना है, तो फील कर पा रहे होंगे कि यहां से अगर यहां पे जाना है तो थोड़ा बहुत कीन का स्मेल आ रहा होगा यहां से आपको, ठीक है। तो ऐसे ही करते हैं अपन लोग, जानते हो आप, यहाँ पे 2 माइनस एक्स डाल दीजिए और यहाँ पे एफ ऑफ 2 माइनस एक्स डाल दीजिए, हो जाएगा काम, ठीक है। तो ये किसमें कन्वर्ट होने वाला है आगे जाकर के देखिएगा जरा ध्यान से, ये कन्वर्ट होने वाला है 2 इंटू इंटीग्रेशन माइनस 2 से 4 एफ ऑफ 2 माइनस एक्स डीएक्स और माइनस इंटीग्रेशन माइनस 2 से 4 x into f of 2 minus x dx। अभी f of 2 minus x को क्या करे, इस चीज के लिए अपने पास एक फंक्शनल रूल गिवन है और वो है कहीं ना कहीं f of x plus 1 is equal to f of 1 minus x for all x belongs to the interval minus 2 से 4, सही बात है। तो अगर अपन यहाँ से कुछ सब्सटीट्यूशन का काम करें ताकि अपन fx में जा सके, तो कुछ आपको ये समझ आ रहा होगा यहाँ से कि x के जगह पे अगर अपन x माइनस वन रिप्लेस कर देते तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास x माइनस वन प्लस वन बिकम्स एफ एक्स और ये हो जाएगा f ऑफ वन माइनस x माइनस वन, जो चीज बनेगा वो कहीं ना कहीं 2 माइनस एक्स का काम करेगा। तो f ऑफ 2 माइनस एक्स जो है वो एफ एक्स में कन्वर्ट होने वाली चीज है, तो अगर f ऑफ 2 माइनस एक्स एफ एक्स में कन्वर्ट होने वाला है तो ये कुछ इस पैटर्न में आ जाएगा और ये माइनस 2 से 4 x into f of 2 minus x को भी अपन fx लिख सकते हैं, तो ये r1 बन जाएगा। तो ये r1 अगर है, ठीक है, और ये आपको क्या दिख रहा होगा, ये सॉरी ये r1 और ये r2 बन गया,
तो ये कहीं ना कहीं 2R1 - R2 बन गया। तो R2 को इस तरफ लेकर के आ जाओ तो 2R2 हो जाएगा 2R1 के इक्वल, तो यहाँ से R1 / R2 हो जाएगा कहीं ना कहीं 1 के इक्वल। तो ये एरिया का 20% ज्यादातर क्वेश्चन ये डेफिनेट का ही था, है ना, वो आप बोल सकते हो। और यहाँ पे आपका थोड़ा बहुत पेरेटिक फंक्शन का कंसेप्ट भी यूज हुआ है। ये सब टेक्निक बेसिकली अपन पेरेटिक फंक्शन या फिर फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व करते वक्त ही सीखते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा सर, ध्यान देखिए क्वेश्चन नंबर 57 पे क्या बोला जा रहा है आपको यहाँ पे एग्जैक्टली फील कीजिएगा। एक क्यूबिक पॉलीनोमियल दे रखा है, उसको फैक्टराइज फॉर्मेट में दिया गया है ताकि आप उसका आसानी से ग्राफ बना सको, ठीक है, और 0 से 3 में उसका एरिया आप निकाल सको। सही बात है क्या? तो ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया आपका वाई, ठीक है, ये 0 है, ये आपका 3 है, सही है क्या? और उसके बीच में ग्राफ कितना रूट दे रहा है, 3 रूट दे रहा है, इट्सेल्फ 3 भी एक रूट ही है, समझ आ रहा होगा आपको। तो कहां पे पॉजिटिव होगा कहां पे नेगेटिव होगा वो अपन डायरेक्टली वही कर्व से मालूम कर सकते हैं। सही बात है क्या? क्लियर? तो रूट बना लो, ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 3, प्लस माइनस बिकॉज सारे पॉजिटिव आप जानते हो, सॉरी सारे पावर ऑड है, तो यहाँ पे 1 से 2 पे ये पॉजिटिव है, दैट इज ऊपर रहेगा, ठीक है, और 3 के बाद से ये पॉजिटिव है, 3 के बाद से ये ऐसे चला जाएगा, और 2 से 3 के बीच में ऐसे नेगेटिव आ जाएगा, और इधर वो 0 पे कितना वैल्यू दे रहा है वो तो आपको दिख ही रहा होगा, -1 - -2 - 3 का प्रोडक्ट दैट इज -6, और ये ऑड डिग्री पॉलीनोमियल है तो -∞ में स्टार्ट होकर के +∞ में खत्म होने वाला है। सही बात है क्या? क्लियर है? तो 0 से 3 के बीच में अपने को एरिया बाउंडेड निकालना है। सही बात है क्या? 0 से 3 के बीच में अगर एरिया बाउंडेड निकालना है तो वो कहीं ना कहीं ये एरिया आएगा, ये एरिया आएगा, ये एरिया आएगा, दैट्स इट। सही है? अभी इनमें से 2 एरिया आपको नेगेटिव में दिख रहा है, तो ऑब्वियसली 0 से 1 जो एफ एक्स डी एक्स होगा, एफ एक्स आपका x - 1 × y dx ही लिख देते हैं, 0 से 1 जो y dx होगा उसका अपन मॉड्यूलस लेंगे बिकॉज ये नेगेटिव में है, ठीक है, फिर 1 से 2 जो y dx आएगा उसको कुछ छेड़खानी करने का जरूरत नहीं है, 2 से 3 जो y dx आएगा उसको भी अपन मॉड्यूलस लेंगे बिकॉज ये भी आपका बिलो x एक्सिस दिखा रहा है, दैट इज नेगेटिव दिखा रहा है। सही बात है? क्लियर? तो इसको कंप्लीटली आप कैलकुलेट करो तो अपना पूरा कंप्लीट एरिया जो है वो आपको मिल जाएगा। सही बात है? क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन में 59 है और देखते हो सवाल 59 देखिएगा जरा ध्यान से। सही बात है क्या? वाई बराबर 1/y = 1/(x²-2x+2) तो ये कहीं ना कहीं सही, अगर मैं बात करूं तो ये x - 1 होल स्क्वायर प्लस 1, मतलब एजिंग तो कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज डिनोमिनेटर अनडिफाइंड होने का चांस बनता ही नहीं है, ठीक है, क्लियर? अगर मैं फंक्शन का रेंज देखू, मोनोटोनिसिटी मैक्सिमम मिनिमम पे जा नहीं रहा हूं बिकॉज अगर आप डेरिवेटिव करके देखना चाहो तो देख सकते हैं, बट उसके अलावा मेरे को सारी चीज दिख रहा है तो मैं ये सब पे बात करके क्या करूं। अभी यहां पे अगर मैं बात करूं तो रेंज डिनोमिनेटर का हो जाएगा 1 से ∞, अगर 1 से रेसिप्रोकल कर देते तो ये रेंज हो जाएगा 0 से 1, मतलब फंक्शन जो है वो 0 से 1 के अंदर बाउंडेड होगा, ठीक है, ये हो गया 0 मान लो, इस लेवल को अपन 1 मान लेते हैं। सही है क्या? फिर ये है आपका वाई, ये है आपका एक्स। सही है? 0 का वैल्यू कितना दे रहा है देखो, 0 पे कितना दे रहा है, 0 पे दे रहा है 1/2, दट इज ये आएगा, ठीक है। तो ग्राफ जो है वो मैक्सिमम कहां पे ले रहा होगा, ग्राफ ये पूरा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू कहां पे देगा, जहां पे डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, डिनोमिनेटर कहां पे मिनिमम होगा, जहां पे x - 1 होल स्क्वायर अपना मिनिमम वैल्यू लेगा, और x - 1 होल स्क्वायर मिनिमम वैल्यू कहां पे लेता है, x = 1 पे, तो 1 पे ऑब्वियसली आपका क्या लेगा, 1 पे रहेगा आपका मिनिमम वैल्यू, दैट इज x - 1 होल स्क्वायर का मिनिमम, तो ओवरऑल फंक्शन का मैक्सिमम जो कि कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्लियरली पता चल रहा है, ठीक है। सही बात है ना? तो 1 पे अगर मैक्सिमम वैल्यू लेता है ग्राफ, तो इधर से ग्राफ आसानी से डिक्रीज करता जाएगा और इधर से भी डिक्रीज करता जाएगा, तो ये आ जाएगा ग्राफ का एरिया, तो ये कंप्लीट एरिया आपको कैलकुलेट करना है। सही बात है क्या? तो ये कंप्लीट एरिया क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली आपको समझ ही आ रहा होगा कि ये फंक्शन जो है वो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये देखो अभी अगर मैं बात करूं तो इधर वाला 1 के इधर वाला एरिया और 1 के इधर वाला एरिया सिमेट्रिकल है, तो इसको 2 × 1 से ∞ कर सकते हैं, ठीक है, और इसका एरिया वाई डी एक्स कर दो, दैट इज वाई कितना है, x - 1 होल स्क्वायर प्लस 1, तो इसको कैलकुलेट कर लो, आपके पास आराम से जो है आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा। सही बात है क्या? क्लियर है? तो आराम से इस चीज को अपन निकाल सकते हैं, ये कैलकुलेट भी कर सकते हो आप, 2 tan inverse of x - 1 है, सही है, वही होगा इंटीग्रेशन इन्फिनिटी 1, और अगर इन्फिनिटी डालेंगे तो ये कहीं ना कहीं π/2 होगा, और अगर 1 डालेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो ओवरऑल एरिया हो जाएगा π²। सही है? सही बात है, पक्की बात, ये सब आसान एग्जांपल है, अगर डिफरेंशियल कैलकुलस का थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए
ऐसे फंक्शन अगर आपका थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो जाए ग्राफ वगैरह, तो आराम से ये सब आप निपटा कर आ जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय y बराबर x log x एंड y इज इक्वल टू y बराबर x log x एंड y इज इक्वल टू 2x माइनस x स्क्वायर। सही बात है। तो y इक्वल टू x log x ये कौन सा फंक्शन है, किधर है, ये हमारे को नहीं पता। तो इसको निकालने के लिए अपन डेरिवेटिव जरूर सर्च करेंगे, तो 1 प्लस लॉग एक्स आ रहा है, तो टर्निंग पॉइंट जो है वो आ रहा है लगभग मान लो 1 बाई ई पे। तो अगर मैं डबल डेरिवेटिव देखूं तो वो लगभग लगभग माइनस 1 बाई एक्स आ रहा है। तो अगर मैं x बराबर 1 बाई ई पे वैल्यू चेक करूं तो ये y डबल डैश 1 बाई ई जो हो जाएगा वो कहीं ना कहीं माइनस ही आ रहा है। तो माइनस ई इज लेस देन 0 मतलब 1 बाई ई पे फंक्शन मैक्सिमा ले रहा होगा, दैट इज स्टार्ट करेगा ग्राफ इस जगह पे, कहां पे करेगा, 1 बाई ई पे करेगा। सही बात है, क्लियर है। चलिए तो मैक्सिमम मिनिमम पता चल गया। अच्छा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख लेते हैं। तो ये एक्सप्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स ग्रेटर देन 0 कहां पे होगा, जहां पे एक्स ग्रेटर देन 1 बाई ई। तो 1 बाई ई से आगे वो इंक्रीज करेगा और 1 बाई ई से पीछे वो डिक्रीज करेगा। सही बात है, क्लियर। तो मान लेते ये पॉइंट हमारा 1 बाई ई है, 1 बाई ई पे जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, 1 बाई ई पे मैक्सिमम आ रहा है, बट मैक्सिमम वैल्यू क्या है, पुट करो 1 बाई ई, तो यहां से आ जाएगा माइनस वन बाई ई। 1 बाई ई पे जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है माइनस 1 बाई ई, दैट इज यहाँ पे मान लो ये है माइनस 1 बाई ई यहाँ पे आ रहा है। तो इससे पहले से ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, उसके बाद से ग्राफ सॉरी इसके बाद ग्राफ एक्स ग्रेटर देन 1 बाई ई तो इंक्रीज कर रहा है, उससे पहले डिक्रीज करेगा। सही है, ठीक है। तो अभी अगर मैं अच्छा तो डिक्रीज करेगा और इसके बाद से इंक्रीज करेगा, तो ये एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगा वो भी देख सकते हैं। जीरो पे कट करेगा और e टू दी एक्स इक्वल टू e टू दी पावर जीरो वन पे कट करेगा, तो वन पे कट करके जाएगा एक्स एक्सिस को और जीरो पे कट करके जाएगा, मतलब इन दोनों पॉइंट से पास होगा ग्राफ। अभी अगर मैं देखूं कि माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी में कहां पे है, लग तो रहा है कि ये माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी दोनों पे प्लस इन्फिनिटी में जाएगा, बिकॉज यहां से पहले ग्राफ इंक्रीज ही होगा, सॉरी डिक्रीज ही होता जाएगा, तो ऑब्वियसली ऊपर से ही डिक्रीज होगा, या फिर कोई एसिम्प्टोट वगैरह एग्जिस्ट कर रहा है तो देखना पड़ेगा। सही बात है। तो लिमिटिंग वैल्यू चेक कर लो, x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी में x log x का अगर मैं ध्यान से देखूं तब तो ये फॉर्मेट कौन सा दिखा रहा है आपको, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, दैट इज ये इनडिटर्मिनेंसी तो है नहीं, तो डायरेक्टली पता चल रहा है ये इन्फिनिटी आएगा। सही बात है। और माइनस इन्फिनिटी, अच्छा इस फंक्शन का डोमेन ही तो नहीं है भाई, जीरो तो इसका डोमेन पे ही नहीं है, जीरो तो जीरो की इस तरफ तो डोमेन पे ही नहीं है, बिकॉज फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए एक्स ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा। तो सर प्लस इन्फिनिटी में अगर चेक करोगे तो लॉग इन्फिनिटी बिकम्स इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इज नॉट एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इट इज इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहां से आराम से समझ आता है कि ग्राफ जो है वो ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ग्राफ अगर ऐसे चला गया तो ये ग्राफ तो अपन ने बना लिया विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, एंड अवर नेक्स्ट ग्राफ इज 2x - 2x2। सही बात है। यहां से अगर अपन ध्यान से देखिए तो ये आ जाएगा कहीं ना कहीं 2x - 1 - x, तो 0 और 1 पे ये कट मारने वाला है, बट ये है क्या हकीकत में, हकीकत में अगर ध्यान से देखोगे तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड पैराबोला दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट अगर कर देते मतलब डायरेक्टली मैं डिफरेंशिएट करके चेक करना चाहता हूं, तो हाफ तो क्या आएगा, हाफ इससे बड़ा होगा, तो हाफ में ये मैक्सिमा दिखा रहा है, मेरे को क्लियरली पता चल रहा है डबल डेरिवेटिव -4 तो हाफ पे मैक्सिमा होगा, और हाफ पे वैल्यू क्या हो जाएगा फंक्शन का, जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, तो ऐसे हो जाएगा मान लो, अरे ये 1 से पास करेगा मान लो ये 1 है, तो ऐसे ही हो जाएगा, बट इससे इधर तो ग्राफ का कोई जरूरत नहीं है, हमें बोला है बस इन दोनों से एरिया बाउंडेड निकालना है, मतलब ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है सीधा सीधा। ठीक है, तो सिंपल सा चीज, अभी इतना कुछ करने के बाद जाकर के पता चला कि दिस इज द एरिया बाउंडेड, उससे पहले ये ग्राफ आपके लिए अननोन ही था, इसको आप जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे इस तरीके से, इसका ग्राफ स्केच नहीं करोगे तब तक आपको कुछ हवा नहीं लगेगा। सही बात है क्या, तो एरिया शुड बी और एरिया क्या हो जाएगा, जनाब एरिया हो जाएगा 0 से 1 पे अपन कैलकुलेट करेंगे और ये अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर देंगे तो हो जाएगा, तो अपर कर्व क्या जाएगा, पैराबोला अपर कर्व है ना 2x - 2x2, और लोअर कर्व हो जाएगा x log x into dx, इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट कर दो तो पूरा एरिया मिल जाएगा। कुछ ट्वाइस वगैरह मत करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये कर्व और ये कर्व आपको देखने में सिमेट्रिक लग रहा है, बट हकीकत में सिमेट्रिक नहीं है, बिकॉज दोनों का इक्वेशन अलग अलग है, x log x और 2x - x2। बहुत बच्चे क्या कर देते कि सिर्फ 2x- बोलता है कि सर इसमें बाईपार्ट कौन लगाएगा, तो अपन क्या कर देते इसको 2 × 0 से 1 2x - x2 dx कर देते हैं। नहीं बिल्कुल दिस इज रॉन्ग, दिस कंप्लीटली रॉन्ग, बिकॉज ये दोनों एरिया हकीकत में देखने में सिमेट्रिक लग रहा होगा बट इक्वल नहीं होगा, क्लियरली पता चल रहा है, बिकॉज फंक्शन ही अलग है।
तो डायरेक्टली आपको अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करके ही करना होगा। सही बात है ना, क्लियर है? मैंने बोला था कि अगर एक्स एक्सिस के नीचे भी चला जाता है तो टेंशन मत लेना, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करने से ही आ जाएगा। अगर नहीं भी करते हो तो क्या करोगे, जीरो से वन टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स ही करोगे ना, और इस एरिया को ऐड करोगे, दिस एरिया प्लस दैट एरिया करोगे, और इस एरिया को ऐड कब कैसे करोगे, एक्स लॉग एक्स डीएक्स इन द इंटरवल जीरो से वन। बट जैसे ही एक्स लॉग एक्स डीएक्स करोगे तो आप जानते हो ये इंटीग्रेशन नेगेटिव में आएगा, तो एक माइनस लगा दोगे, तो ये इंटीग्रेशन जीरो टू वन अपर माइनस लोअर ही तो वन, एक ही बात है। इसीलिए मैंने आपको बोल के दिया था कि अपर माइनस लोअर करने में कभी कोई घबराना मत, अगर कर्व एक्स एक्सिस के नीचे भी चला गया तो भी कोई दिक्कत नहीं। सही बात है क्या? तो यही हो जाएगा, ये जो इंटीग्रेशन होगा यही होगा आपका आंसर। ये गलती से कभी भी मत कर देना, जब तक फंक्शन एग्जैक्टली सेम नहीं होगा ये दोनों कर्व तब तक अपन नहीं कर सकते ये चीज। सही है, आगे बढ़ते हैं लास्ट प्रॉब्लम पूरा चैप्टर के लिए, बाकी जो भी आएगा वो शेड डिस्कशन के वक्त आएगा। सही बात है। चलो, इफ द एरिया एनक्लोज बाई वाई बराबर एफ एक्स, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू बिटवीन द एफसीसा एक्स बराबर टू एंड एक्स बराबर अल्फा, अल्फा ग्रेटर देन टू। वही थोड़ी देर पहले तो ये क्वेश्चन कराया था यार, एफ एक्स डी एक्स एरिया एनक्लोज बाई दिस, अच्छा दिस एंड दैट, थोड़ा सा ट्रिकी हो गया यहाँ पर। तो ये कर्व बना दो इन द इंटरवल टू टू अल्फा, टू पे क्या आ रहा है, ये तो इंक्रीज करेगा टू टू अल्फा, पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है, टू पे क्या आएगा, टू पे आएगा लगभग मान लो फोर प्लस टू सिक्स, टू पे सिक्स है, और अल्फा अगर ग्रेटर देन टू है तो अल्फा पे जो वैल्यू आएगा वो ऑब्वियसली टू से भी बड़ा होगा। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा इन द इंटरवल टू से अल्फा पे, टू से अल्फा पे ग्राफ ऐसे हो जाएगा। सही बात है, क्लियर है? तो और एफ एक्स जो है वो क्या है, एफ एक्स जो है वो क्या है, इट इज नोन दैट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स लाइज बिलो पैराबोला। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन देना तो जरूरी था, नहीं तो एफ एक्स अपन प्लॉट ही नहीं कर पाते। तो बिलो पैराबोला, पूरा पूरा इंटरवल में एफ एक्स जो है वो पैराबोला के नीचे लाई कर रहा है, तो नीचे कहीं पे भी करे, चाहे यहीं पे करे, यहीं पे करे, यहीं पे करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, एरिया बाउंड तो यही होगा ना, तो एरिया जो आएगा वो क्या होगा, टू से अल्फा, मना ही तो दिया था यहाँ पे, टू से अल्फा अपर माइनस लोअर, अपर कौन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू, लोअर हो जाएगा एफ एक्स इन टू डी एक्स करो, इज इक्वल टू कर दो अल्फा क्यूब माइनस फोर अल्फा स्क्वायर प्लस एट, लेबनीज लगा दो एफ एक्स निकल करके आ जाएगा। सही बात है, मतलब लेबनीज लगाओगे तो एफ अल्फा निकल करके आएगा, और एफ अल्फा इन टर्म्स ऑफ अल्फा अगर मिल गया तो एफ एक्स भी इन टर्म्स ऑफ एक्स मिल जाएगा बाई सब्सटीट्यूटिंग एक्स अल्फा इक्वल टू एक्स, क्लियर है? सही है, तो इसी के साथ साथ हमारा पूरा चैप्टर जो है वो समाप्त हुआ, और अपन जो है वो एक बहुत ही अच्छा कंक्लूशन में चले गए, एरिया अंडर कर्व हमारा कंप्लीट हो गया, अगला डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट होने वाला है और वो भी मैं जल्दी बना के आपको दे दूंगा। ठीक है, तो चलो, तो आज के लिए यहां तक समाप्त करते हैं। इजी चैप्टर है, बट अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बिल्कुल आपका इजी होते हुए भी सवाल गलत करके आओगे, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। सही बात है क्या? इसीलिए अच्छे से कर लेना प्रैक्टिस, और बढ़िया से चैप्टर को रीड कर लेना और पूरा शीट कंप्लीट कर लेना, होमवर्क पे अपन डिस्कस करेंगे। सही बात है क्या? आज के लिए यहां तक समाप्त करते हैं, अलविदा, कोई डाउट होने से जरूर पूछ लीजिए।